आज का जो हमारा स्टार्ट है उसमें मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, गो के हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, इंटरफेस को भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्क स्पेस को किसी हद तक हम लोग जान चुके हैं। तो क्या इसकी इंट्रो है, हिस्ट्री क्या है, इलस्ट्रेशन कहाँ यूज़ होती है, कौन यूज़ करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर में फ़र्क क्या होता है और इसके यूज़र्स कौन कौन से हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर का स्टार्ट पॉइंट। और आज हम इंशाल्लाह कुछ टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, वर्क स्पेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और एक बिजनेस कार्ड को फ्रॉम स्क्रैच बनाते हुए इसको लेके जाएंगे इसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट जो कि इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी, पीडीएफ वगैरह कैसे बनती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टूल्स का इसमें हम यूज़ भी करेंगे और इन टूल्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे और अपना एक फाइनल बिजनेस कार्ड को तरतीब लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ या ये लॉन्च हुआ, ये फर्स्ट इसका एडिशन जो आया था 1987 में, मार्च 19 को ये फर्स्ट इसका एडिशन 1987, और सिंस देन इसके डिफरेंट वर्जन आते गए। इसमें से कुछ बहुत पॉपुलर हुए, कुछ जो है आए और गए। ठीक है, इसमें से इलिस्ट्रेटर जो आया था 10 वर्जन बहुत पॉपुलर हुआ, बड़ा स्टेबल था, ग्राफिक डिज़ाइन ने बहुत इसको लाइक किया। फिर टाइम के साथ साथ ये गुजरते टाइम के साथ ये तकरीबन 30+ ईयर्स हो चुके इसको मार्केट में आए हुए, और इसमें एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर इससे आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। ये टोटली एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, नॉट ए रास्टर, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, वेयर एवरी थिंग इज ए शेप। हर चीज़ एक शेप है, वो ट्राइंगल भी हो सकती है, वो आर्क भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो एलिप्स भी हो सकती है, वो सर्कल भी हो सकता है। और चूंकि हर चीज़ एक शेप है तो जब इसको साइज करते हो, जब आपको साइज मैटर करता हो, आपने साइज को बिग करना है, स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, तो इसमें बिहाइंड इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस के मुताबिक इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद, इसको रिकैलकुलेट करने के बाद साइज बिग जब करेगा तो आपकी बाउंड्रीज के साथ साथ से कलर्स को भी एक्सपेंड करेगा। तो ऐसी सूरत में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होती। जबकि एज कम्पेयर टू आपका राइट साइड पे ये है रास्टर ग्राफिक्स, और रास्टर ग्राफिक्स में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पिक्सल। और पिक्सल क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डॉट होता है उसे पिक्सल बोलते हैं। लाजमत पिक्सल एक पर इंच वैल्यूज के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। लाजमत जब आप उसको वैल्यू को इंक्रीज करोगे, साइज को बड़ा करोगे, तो पिक्सल्स की तादाद जो है क्वान्टिटी तो ही रहती है। तो होता क्या है, जब उसको साइज बड़ा करते हो तो डिस्टॉर्शन आ जाती है, आपको उसकी प्रेजेंस में आपको ब्लरनेस आ जाती है। खासतौर पे एजेस के ऊपर अगर आप गौर करो तो वो थोड़े से आपके ब्लर हो जाते हैं, पिक्सेलेट हो जाते हैं। जबकि आपका वेक्टर ग्राफिक्स में हर चीज़ शार्प होती है, क्रिस्पी होती है। तो ये आपको जो वेक्टर ग्राफिक्स में जो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे और भी हैं मार्केट में, जिसमें से एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलस्ट्रेटर, और कॉरल एक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो कि कॉरल कॉर्पोरेशन का है, वो भी वेक्टर ग्राफिक्स में ही आता है। और एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब कभी आप फोटो एडिटिंग करते हो तो आमतौर पे वो रास्टर ग्राफिक्स होती है, पिक्सल बेस्ड होती है। इमेजेस जो जेपीजीज होती हैं वो पिक्सल बेस्ड होती हैं, और आमतौर पे फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आता है, कैटेगरी में फॉल करता है। रास्टर ग्राफिक ने फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, और इलस्ट्रेटर जो इसका एक और सॉफ्टवेयर है इसी कंपनी का, ये वेक्टर ग्राफिक्स है। तो वेक्टर ग्राफिक में आपकी शेप बेस्ड वर्किंग होती है, और ये जब आप इसको रिक्वायर्ड हो आप स्केल अप या स्केल डाउन, तो ये रिकैलकुलेट करके रीजनरेट चूंकि इमेज को करता है, तो वो आपको किसी किस्म की डिस्टॉर्शन फील नहीं होती। जबकि ये चीज़ जब आप रास्टर ग्राफिक्स में करोगे, पिक्सल की एक लिमिटेशन होती है, पिक्सल का एक कलर होता है, और लाजमत जब उसको आप स्केल अप करोगे तो डिस्टॉर्शन उसने दिखानी है। तो आप इसमें दोनों को इस तरह कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि हर चीज़ एक शेप है, एवरीथिंग इज ए वेक्टर। और वेक्टर ग्राफिक्स में जब आप वर्क करोगे, जो लाइंस हैं, कोई शेप्स हैं, आपको ये दिख रही हैं, ये सारी आपको एक टूल बॉक्स नज़र आएगा अभी थोड़ी देर में। उस टूल बॉक्स में आपको हर तरह की शेप मिलती है, आप हर चीज़ बना सकते हो। कुछ तो होती हैं बेसिक शेप्स, स्टार हो गया, पॉलीगॉन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वेयर हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये सारी हैं मैथमेटिकल शेप्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको शेप बनाना चाहो तो पेन टूल अवेलेबल है, पेंसिल टूल अवेलेबल है, ब्रश टूल अवेलेबल है। आप किसी तरह की भी शेप अगर आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो एवरीथिंग इज ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एक स्केलर आपकी होती है डिजाइन जिसमें आपका मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होती है। ये हमें शायद फिजिक्स में भी पढ़ा था, वेक्टर शेप्स क्या होती हैं जिसमें डायरेक्शन के साथ साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज करने में आपको आसानी होती है। और जहां तक ये स्केलिंग का ताल्लुक है, ये आपको एक ग्रिड दिख रहा है एक के साथ, इसको जितना मर्जी आप बड़ा कर लो तो ये आपका ग्राफिक्स में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आती। इन्फिनिटली इज द स्केल ग्राफिक्स, स्मॉल ए हो या बिग ए हो, आपको विदाउट द पेनल्टी और पिक्सेलेशन इसकी प्रेजेंस में किसी किस्म का फर्क नहीं महसूस होगा। ये वेक्टर ग्राफिक की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये चाहे 25 by 25 पिक्सल की वैल्यू हो, चाहे इसको आप स्केल अप कर दो और 2400% तक स्केल कर लो, यहाँ तक कि और भी इसको आप स्केल अप कर दो, तो डिस्टॉर्शन आपको फेस करनी पड़ेगी फोटोशॉप में। जबकि ये चीज इलिस्ट्रेटर में वेरी वेरी क्रिस्पी होती है, किसी किस्म की आपको पिक्सेलेशन वहां पे दिखाई नहीं देती। एज ए यूजर, और कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप हो ग्राफिक डिजाइनर जिसे बोलते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट, इलस्ट्रेशन बनाने वाले वेब डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग इसके यूजर्स आपके हो सकते हैं। जहां तक कोई फर्क नहीं है, कंपनी का फर्क है बस। ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू कॉरल। कॉरल बड़े लिमिटेड सा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम के साथ साथ उसके प्रोग्रामर्स जो हैं उसकी टीम ने इतना वर्क नहीं किया। उसने जो यूजर हैं, ग्राफिक्स के डिजाइनर्स हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, उन्होंने उसके मुताबिक एडजस्टमेंट नहीं की, उसमें इतना रैपिड वर्क डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहे, तो वो थोड़ा सा टूल पीछे रह गया है एज कम्पेयर टू इलिस्ट्रेटर। जो इलिस्ट्रेटर कर लेते हैं वो कॉरल को लाइक नहीं करते, वो हमेशा फिर इलिस्ट्रेटर में ही काम करते हैं। हाँ, कॉरल के जो यूजर्स हैं उनकी राइट प्रोडक्ट जो है सॉफ्टवेयर है कॉरल फोटोपेंट इमेज एडिटिंग के लिए, जबकि इलिस्ट्रेटर के लिए जो लाइसेंस परचेज करते हैं साथ में, आप उन्हें कल देखा था लाइसेंस में पूरा पैकेज अवेलेबल था। तो इलिस्ट्रेटर के जब आप प्रोडक्ट्स परचेज करोगे तो आप फोटोशॉप को लाइक करोगे, इलिस्ट्रेटर जो लेगा वो फोटोशॉप लेगा। ये नहीं होगा इलिस्ट्रेटर वाला वो कॉरल फोटोपेंट ले ले या कॉरल वाला वो फोटोशॉप ले ले। मजबूरी हो सकती है फोटोशॉप लेना कॉरल वाला की, क्योंकि एज कम्पेयर टू कॉरल फोटो पेंट ये भी जो नया वर्जन आ रहे हैं इसके फोटोशॉप के काफी एडवांस हैं, अच्छी फीचर्स के साथ हैं, तो फोटोशॉप को लाइक करते हैं और पॉपुलर हुआ। फोटोशॉप भी इसी पीरियड में 80s के पीरियड में ये भी जो है वो इसको डेवलप किया गया, इसको मार्केट किया गया और इसके यूजर्स टाइम के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर इससे एज ए यूजर इसमें आपको ये बहुत बड़े रेशो के साथ इसमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉरल फोटो पेंट लाइक करते हैं एडोबी की प्रोडक्ट फोटोशॉप। इसका मतलब ये नहीं मैं डिस्करेज कर रहा कॉरल को, तो कॉरल अगर आप खुद भी फील करोगे, बताने की जरूरत नहीं होती। जब आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर ऑपरेटर ऑफ दैट मशीन और सॉफ्टवेयर यूजर, तो आपको खुद जब आप उनमें एक्सप्लोर करोगे फीचर्स को, उनके डिफरेंट एक्शंस को, तो आपको वादे फर्क नजर आएगा। ये थोड़ा सा मुझे बेहतर टूल लग रहा है, एडवांस टूल लग रहा है एज कम्पेयर टू CorelDRAW। दोनों डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन वो भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ये भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई लोगो बनाते हो, कोई आइकन बनाते हो, कोई ब्रोशर बनाते हो, कोई लेटर पैड बनाते हो, कोई कवर पेज बनाते हो, मैगजीन का बनाते हो, फेसबुक का ऐड बनाते हो, कोई बैनर डिजाइन करते हो, कोई आप यूट्यूब का थंबनेल बनाते हो, जहां बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, इसमें भी आप काम ये कर सकते हो। जिस तरह आपको एक स्क्रीन के ऊपर डिजाइन नजर आ रहा है, ये एक काइंड ऑफ वेब टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें इमेजेस की प्रेजेंस भी है, जिसमें फेविकॉन आइकन भी लगे हुए हैं, जिसमें कुछ टेक्स्ट की वैल्यूज भी नजर आ रही हैं और एक अच्छा कंट्रास्ट नजर आ रहा है, जिसमें आप कलर्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफिक डिजाइनर एक प्रोफेशनल लग रहा है जिसने 2 या 3 कलर्स को यूज किया है, बहुत ज्यादा कलर्स की भरमार नहीं करनी। जब भी कोई भी डिजाइन हो, चाहे वेबसाइट का कोई लेआउट बनाने जा रहे हो, बिजनेस कार्ड बनाने जा रहे हो, कोई बैनर बनाने जा रहे हो, कोई आइकन बनाने जा रहे हो, कोई लोगो बनाने जा रहे हो, जिसमें एलिमेंट्स में टेक्स्ट भी शामिल हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वो काइंड ऑफ वो मोटरसाइकिल के साथ एक आइटम आपको नजर आ रहा है, वो भी हो सकता है, लोगोस भी हो सकते हैं, एवरीथिंग। और यहाँ पे कलर की प्रेजेंस भी हो सकती है, कलर को किस तरह आपने मिक्स एंड मैच किया, कौन सी चीज के साथ कौन सा कलर प्रोमिनेंट हो रहा है। वी डिलीवर अगर आप देखो एक रेक्टेंगुलर शेप में फ्यू लाइंस के साथ उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है आईज को फोकस करने के लिए उसके पे नजर जाती है आपकी। उसके अलावा एट योर डोर स्टेप्स थोड़ा सा फॉन्ट डिफरेंट उसने यूज किया ताकि उसको भी पढ़ो देखो, उसके नीचे कुछ डिटेल्स भी हैं और आपको कांटेक्ट करने के लिए कुछ फ्लैट आइकन्स की प्रेजेंस भी नजर आ रही है जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, आपका इंस्टा का भी यहाँ पे आइकन नजर आ रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंट यूट्यूब का थंबनेल भी डाल सकते हो, यूट्यूब का भी आप यहाँ पे प्रेजेंस डाल सकते हो कि एक वेबसाइट का लेआउट बनाना है, आपने वेब डेवलपर को ये लेआउट बना के दिया कि जनाब इस तरह का लेआउट चाहिए, मेरा एक रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी सर्विस मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ओपन करना चाह रहा हूँ जौहर टाउन में, एक अच्छा सा मुझे पोस्ट लगानी है फेसबुक में या एक छोटा सा मैंने फ्लायर बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो ये पोस्टर बना दो। तो ये आपने उसको इमेजेस आपने दिए या उसने डाउनलोड अच्छे अच्छे इमेजेस कर लिए, ठीक है। और किस तरह उसके डिजाइन आपने पहले पेपर पे बनाया और पेपर पे बनाया कि आपने डिशेस को प्रोमिनेंट करना है, हाँ उसमें डिवीजन कर दी जाएगी बैलेंस क्रिएट करने के लिए। एक नीचे आपको एक आर्क शेप में या एक एलिप्स शेप में एक माउंटेन सी आपको नजर आ रही है, एक हाइट नजर आ रही है, उस पर आपने अपने डिशेस को फोकस किया और रिमेनिंग पार्ट जो है वो डार्क कलर के साथ प्रोमिनेंट किया और उसको मजीद हाईलाइट किया। टेक्स्ट ने कंट्रास्ट ऑफ जो ग्राउंड के ऊपर आपका बेस कलर है उसको आपने ऊपर जो एक रेक्टेंगल बनाया और उसको टिल्ट करके उसके अंदर वी डिलीवर ब्लैक कलर में लिख दिया। और जो आपका रेड को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है वो या तो ब्लैक करेगा, लेकिन ब्लैक को मोर प्रोमिनेंट करने के लिए ऑरेंज के साथ उसको मिक्स एंड येलो के साथ शेड के साथ उसको मिक्स एंड मैच करके आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे रेड के ऊपर व्हाइट भी बहुत अच्छा नजर आता है, तो आइकन्स भी आप देख रहे हो व्हाइट कलर के हैं, प्लस जो टेक्स्ट लिखा गया वो भी व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। तो जब कभी एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप कभी कोई डिजाइन बनाने जाओ तो कलर्स को सही तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सुजेस्ट करूंगा कलर हंट की वेबसाइट, उसमें आप जाके वहां से भी अच्छे कलर्स का कंट्रास्ट लेके आ सकते हो। कलर हंट, ये जी कलर हंट अच्छी वेबसाइट है, colorhunt.co के नाम से, ठीक है, colorhunt.co। ये आप गूगल कर लीजिए, कलर लिखोगे जैसे ही तो वो वेबसाइट टॉप ऑफ द लिंक आ जाएगी। यहां से अगर आप गौर करो तो आप अगर बेस कलर लाइट रखते हो तो ऊपर देखो डार्क कलर्स की प्रेजेंस, ठीक है, टाइटल आपने इस कलर में दे दिया, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं, कोई आइकन्स लगाने हैं, इस कलर में दे दिए। या ग्राउंड अगर डार्क होगी तो ऊपर ही आप लाइट कलर यूज करो, ग्राउंड अगर डार्क होगी ऊपर लाइट कलर यूज करो, ठीक है। ये अगर आप जैसे आप देख रहे हो ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ये बहुत अच्छे कलर्स उठते हैं, या ये आप देखो ये क्रीम कलर्स हैं, इसमें ब्लैक टेक्स्ट बहुत अच्छा लगेगा, या ये आपका ऑरेंज कलर है इस पे ब्लैक की प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगेगी, या ये आपके पर्पल शेड्स हैं उस पे इन कलर्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इन कलर्स को यूज करना चाह रहे हो अपने उस पोस्ट के लिए, उस कार्ड के लिए, आप इसको जरूर इस्तेमाल करो। जैसे मुझे आज अपना एक बिजनेस कार्ड बनाना है तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप समझते हो कि मुझे ये बहुत अच्छे कलर्स का एक अच्छा मिक्सचर नजर आ रहा है, इसको क्लिक करो और इसको कलर्स को देखो, ये कलर्स की वैल्यू है हेक्साडेसिमल में होती हैं, इसमें RGB का मिक्सचर होता है और ये वैल्यूज आपकी डिफरेंट ये दिख रही हैं। अगर इन वैल्यूज को भी बाद का इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड कर लो, इमेज को एज ए इमेज आप डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया और ये डाउनलोड होकर डाउनलोड के फोल्डर में आ गया होगा, चेक कर सकते हो, ये आ गया डाउनलोड के फोल्डर में। ये इसको आप इलिस्ट्रेटर ओपन करो और इलिस्ट्रेटर में ओपन करने के बाद आज हमारा टारगेट क्या है, एक सिंपल सा बिजनेस कार्ड बनाएंगे जिसका हमने कल स्ट्रक्चर मतलब विड्थ और हाइट हमने बता दी थी। आज हम उस कार्ड को कुछ एलिमेंट्स को पॉपुलेट करके एक अच्छा सा कार्ड तरतीब लगाने की कोशिश करेंगे। वीकेंड आ रहा है आपके लिए, तो आप इस वीकेंड पे आपकी एक्टिविटी ये है कि आप लैब्स में कुछ अपने रेलेवेंट कार्ड्स, कुछ मैं आपको सैंपल्स भी दिखाता हूँ, आप उन सैंपल्स को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आती कार्ड के कंटेंट क्या होता है, कार्ड के ऊपर कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं, आइकन कौन कौन से होते हैं, कहाँ से मिलेंगे, क्या मुझे बनाने पड़ेंगे या आप खुद बनाओगे, ठीक है, या डाउनलोड करोगे। अब ये देखो ये मैंने ओपन किया, कल वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। कल हमने एक फाइल बनाई थी बिजनेस कार्ड के नाम से, ओपन करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने डी ड्राइव पे रखा था, जिस लोकेशन पे रखा है उसी लोकेशन पे जाके आपको वो फाइल मिलेगी। लोकेशन इज आई थिंक स्टूडेंट असाइनमेंट फोल्डर, और ये बिजनेस कार्ड का वो आर्ट बोर्ड जो हमने 2 बनाए थे या 4 बनाए थे, जो भी है, ये सामने आ गए। ठीक है, अब मैं आपको ये कहूं कि इसकी ग्राउंड का कलर सेट कर दो, इसकी बैकग्राउंड कलर कैसे होगी। और सबसे पहले तो आपने काम करना होता है स्टूडेंट्स, काम ये करना होता है, अगर तो आपको डिस्टर्बेंस नजर आए, फील हो, तो आप सबसे पहले वर्कस्पेस को क्लासिक वाला वर्जन ऑन कर दो। इस वक्त वेब ऑन है, मुझे वेब से रेलेवेंट नहीं करना, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर मेरे पसंद के टूल्स जो मैं लाइक करता हूं, जो मुझे जॉब को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल है। मैं क्लासिक को ज्यादा रेकमेंड करूंगा आपको। अगर इसका सिंपल वर्जन लेना है तो आप एसेंशियल ले लो, लेकिन क्लासिक में आपको फायदा क्या होने वाला है? टूल बॉक्स फुल मिलेगा, कंट्रोल बार ऊपर मिलेगी, पैनल्स का काफी हद तक आपको प्रेजेंस राइट साइड पे मिलेगी। तो ये दिस इज द बेस्ट वन। और अगर आप अपना भी बनाना चाह रहे हो, थोड़ी देर में वो भी बताता हूं। मैं जरा स्लाइड्स को कंप्लीट कर लूं। और अगर आपका क्लासिक वर्जन में भी डिस्टर्बेंस नजर आए तो स्टूडेंट्स इसको रीसेट कर दिया करो। रीसेट, ये ले, अब एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अगर आप गौर करो, हर चीज अपनी अपनी जगह पे जाके प्लेसमेंट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट पैनल्स हैं, फिर प्लस ये डॉक किए हुए पैनल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स पैनल है, ये लेयर पैनल है। इस वक्त करंट आर्ट बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है, ब्लैंक है। दैट्स वाई लेयर पैनल आपको एम्प्टी मिल रहा है। सिर्फ एक ऊपर आपको लेयर 1 लिखा हुआ जरूर नजर आ रहा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने ग्राउंड का एक कलर देना है। ठीक है, तो वो मैंने अगर लेके आना हो एनवायरनमेंट में, तो ये इसी तरह है जिस तरह कोई इमेज लेके आते हो। इमेज को लाने का तरीका क्या होता है? फाइल में प्लेस, एक ये ऑप्शन है, यहां से भी जा सकते हो। अगर ये नहीं करनी आती तो एक काम और भी हो सकता है, आप डाउनलोड के फोल्डर में, जहां आपने थोड़ी देर पहले इस फाइल को डाउनलोड किया था, ड्रैग करके भी इलिस्ट्रेटर के यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ये जी साइज, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि साइड पे पड़ा रहे। कलर्स को बनाते वक्त, मिक्स एंड मैच करते वक्त आपको आइडिया रहे कि मैंने कौन कौन से कलर्स यूज करने इस कार्ड के साथ। टेक्स्ट किस कलर का होगा, ग्राउंड बेस कलर किसकी होगी, आइकन्स को कैसे रखना है, कोई उसके अंदर कोई एलिमेंट्स है, ग्राफिक्स एलिमेंट है, ये सारे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं राइट साइड पे। अभी इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं चलता हूँ दोबारा आपकी स्लाइड्स के ऊपर। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको इसको यूज करना है तो कलर्स की सिलेक्शन कलर हंट के थ्रू हो सकती है। अच्छे कलर्स कौन से होंगे, कौन से कलर यूज किए जाएंगे, फॉन्ट्स क्या होते हैं, डाउनलोड कहाँ से होते हैं, वो अलग से एक टॉपिक है। तो जब आप एज ए इलिस्ट्रेटर डेवलप करना चाह रहे हो, आप काइंड ऑफ वेबसाइट्स के लिए, अगर आप इंटरनेट का कंटेंट डेवलप करना चाह रहे हो, या आप मोबाइल डिवाइस के लिए कोई कंटेंट डेवलप करना चाह रहे हो, टैबलेट्स के लिए कोई डेवलप करना चाह रहे हो, लैपटॉप्स के लिए कोई डेवलप करना चाह रहे हो, तो या यूजर इंटरफेस बनाना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का अलग अलग साइज होता है, विड्थ और हाइट होती है, तो वो आपने साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपने जब बनाना है तो साइज, अभी जिसका मैं अभी तो इस तरह का कोई काम नहीं करने जा रहा, लेकिन फ्यूचर में अगर आपने कोई काइंड ऑफ स्क्रीन के हिसाब से अपना डिजाइन रेडी करना है तो आपको स्क्रीन का एग्जैक्टली साइज मेजरमेंट होनी चाहिए ताकि आप उसके मुताबिक उसको कंपोज कर सको। तो यूजर इंटरफेस इसमें बन जाते हैं। इलिस्ट्रेटर में कोई इस तरह के इंफोग्राफिक टेम्पलेट्स बनाना चाह रहे हो जिसमें आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करके कुछ डिटेल्स वगैरह साइट्स के ऊपर देनी है, वो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये पॉलीगॉन्स आपको दिख रहे हैं, सराउंड सेंटर में आपको एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल के भी कट्स आपको दिख रहे हैं, दरमियान में सेंटर में टेक्स्ट दिख रहा है, कुछ स्क्वेयर्स की प्रेजेंटेशन आपको डिफरेंट कलर्स की दिख रही है, ये आपकी कनेक्टिविटी विद दोज पॉलीगॉन्स आपको दिख रहे हैं, और फर्दर उसके साथ टेक्स्ट की प्लेसमेंट है विद हेडिंग्स, टाइटल और उसकी डिटेल। इस तरह का आप कोई इंफोग्राफिक्स टेम्पलेट अगर आपने जनरेट करने हो, वेरी वेरी इजी टू कंप्लीट दिस जॉब इन इलिस्ट्रेटर। ये आपको मैं डिफरेंट इसके एग्जांपल शो कर रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि आइकन बनाने हैं, ये आइकन आपको दिख रहे होंगे, ये सारे आइकन्स में इजीली आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाने हो, आप फ्लैट आइकन्स बनाने हो, आपको अपने सिस्टम के अंदर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये लोगों में लोगो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई सिंबल्स बनाने हो इस तरह के, तो बनाना इलिस्ट्रेटर में वेरी वेरी इजी थिंग, ठीक है। और ये जिस तरह आपको स्मार्ट आइकन्स मोबाइल ऐप्स के अंदर जो आपके ये नजर आते हैं, वो ग्लोब का आइकन हो गया, ये डिफरेंट ये सारे बनाना आपके लिए वेरी वेरी इजी जॉब इन इलिस्ट्रेटर। ये सारे आप मोबाइल जो यूजर्स होते हैं उनके लिए भी आप इस तरह के आइकन्स वहाँ पे भी आपको नजर आते होंगे। एज ए यूजर आप काफी अरसे से मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तो इस तरह के सेटिंग का आइकन हो गया, क्लाउड का आइकन हो गया, हार्ट का आइकन हो गया, ग्लोब का आइकन हो गया, इस तरह के आइकन्स भी अगर आपने बनाने हो, राइट सॉफ्टवेयर इज अगेन इलिस्ट्रेटर। लोगो वगैरह बनाने हो, जैसे ये लोगो है, गूगल का लोगो हो गया, वो लोगो हो गया, ये होम का यूजर हो गया, कोई रियल स्टेट का आपने लोगो डिजाइन करना है, किसी कंपनी का आपने लोगो डिजाइन करना है, तो ये भी आपका राइट सॉफ्टवेयर है इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये लोगो शोगो इसमें सब कुछ बना सकते हैं। इस तरह करके आप कोई टी शर्ट के ऊपर कलरिंग करनी हो, मिक्स एंड मैच करना हो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना हो, ये भी बनाने के लिए राइट टूल इज ये इलिस्ट्रेटर। फिर आपने कोई मैप वैप बनाना हो, आमतौर पे आपने देखा है मैप्स बने होते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी आ रहे होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस को वहाँ पे प्रोमिनेंट किया जाता है, डिफरेंट लोकेशंस को विद काइंड ऑफ लोकेशन आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि इस लोकेशन पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इस लोकेशन पे आपका ऑफिस है, ये वो, तो ये भी इस तरह करके आप अगर कभी भी कोई मैप ड्रॉ करना चाहो, अगेन इलिस्ट्रेटर इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। सब बनाने के लिए आपको इन टूल्स को स्टडी करना पड़ेगा। ये वो टूल्स हैं जो लेफ्ट साइड पे बार की फॉर्म में मौजूद है। ये टूल्स हमने वन बाय वन आज इनमें से कुछ टूल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सिलेक्शन टूल, जूम टूल, हैंड टूल, किसी ना किसी हद तक हमने कल भी इस्तेमाल किया, आज थोड़ी सी उसकी डिटेल एक्सप्लोर करते हैं। ये टूल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और अगर आपको इमेजेस चाहिए, लाजम है आपको इमेजेस चाहिए होंगे, अगर आपको इमेजेस चाहिए स्टूडेंट्स, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो इमेजेस आपको मेरे पास देखेंगे, जो मैंने एक फोल्डर में रखे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप भी अपने पास ये कलेक्शन स्ट्रांग बनाओ, ताकि फ्यूचर में अगर आपको अपनी कोई भी आर्टबोर्ड के ऊपर डिजाइन कंप्लीट करना है, जैसे ये मैंने फोल्डर ग्राफिक्स का बनाया हुआ, ये इमेजेस के फोल्डर यहाँ पड़ा हुआ है, ये इमेजेस में जो प्रॉपर नेम के थ्रू यहाँ पे प्रोमिनेंट हुए हैं, ये ब्राइट इमेजेस हैं, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स हैं, बटरफ्लाई है, कंप्यूटर्स हैं, ये डोर, कार्स वगैरह, एक्सपो 2023 से रेलेवेंट फ्रूट्स हैं, फर्नीचर के ग्रीनलैंड्स हैं, ये इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ लोगोज भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ फर्नीचर के, ऑफिस के, कुछ प्लेयर्स के इमेजेस, जैसे जैसे कुछ सी शोर्स के इमेजेस, कुछ टेक्सचर के इमेजेस, कोई ट्रांसपेरेंट पीएनजीज हैं। अगर आप इसको लोड करना चाहो, अगर आपको ये जिस तरह ये आपको दिख रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। कभी आपको अगर अपनी जॉब के लिए कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये कोई पैटर्न इस तरह के आपको चाहिए, कोई आपको शॉपिंग की साइट्स बनानी है ये चाहिए, कोई सेलिब्रेशंस के आपको आइटम्स चाहिए, ये आपको काफ़ी सपोर्टिव होंगे। कोई आपने शू शॉप के लिए कोई आपने पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हो, कोई एनिमेशन भी बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये सारे के सारे ग्राउंड के लिए आप कोई डिज़ाइन रेडी करना है, इस सारे के सारे आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे जनाब? ये मेरे मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस या तो मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड किए हैं, कुछ मैंने फ्री पिक्स से भी डाउनलोड किए हैं, और जो पीएनजीज हैं वो मैंने पीएनजी विंग से भी डाउनलोड किए हुए हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो गूगल तो है ना, तो गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप लोग, चूंकि कुछ नए यूजर हमें शामिल हुए हैं क्लास में, तो मैं गूगल करता हूँ, google.com पे चले जाओ, जिस तरह के इमेजेस रिक्वायर्ड हों, ठीक है। कोई आपने किड्स की एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ आपने एक डिज़ाइन के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, कार्टून्स चाहिए, ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे दे सकते हो लाइक दिस, टॉम एंड जेरी, जस्ट गूगल कर लो। गूगल करने के बाद आपने इमेजेस पे क्लिक कर दो। इमेजेस पे क्लिक जैसे ही करोगे तो ये आपको काफ़ी सारे ये इमेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। आपने मजीद अच्छे इमेजेस की कलेक्शन के लिए यहाँ पे चले जाओ, ये टूल्स हैं, टूल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखो एक नीचे एक लिस्ट आइटम्स आ रही है, ये ऑन ऑफ हो रही है, साइज, कलर, टाइप, टाइम, यूजिंग राइट्स। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आप जिस साइज का इमेज चाहिए, आइकॉनिक साइज चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, लार्ज साइज चाहिए, जो आपको साइज चाहिए, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आइकॉन पे क्लिक कर दो। और इसमें ये सारे सिंबल्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप इसको भी डाउनलोड करके, माउस चाहिए, ये देखो आगे कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे जैसे आप क्लिक करते हो, ये आपके पास इमेजेस की कलेक्शन आ जाती है। कभी कोई एनिमेशन बनानी हो, कोई एनिमेटेड कार्टून बनाना हो, तो आप फोटोशॉप इज द राइट वन, या एडोबी एनिमेट भी है, एक अलग से सॉफ्टवेयर भी है। तो इन कार्टून्स को आप यूज करते हुए आप अपना पूरा एक एनिमेटेड कार्टून बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। और इन कार्टून को आप अगर डाउनलोड करना चाहो तो आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐसे। यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, डाउनलोड पीएनजी, फ्री है जी। अगर आपकी जरूरत हो पेड इमेज की तो पेड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह जिस तरह ये मैंने आपको सक्सेसफुल हो गया, और ये देखो डाउनलोड के फोल्डर में मिकी माउस आ गया। इसको आप अपने उस फोल्डर में रख लो जहां पे फ्यूचर में आपको जब कभी जरूरत हो इस इमेज की तो आप ले सकते हो। गूगल इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई और वेबसाइट पे जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो, जैसे pngwing.com, ये pngwing भी है। अगर आपको पूरा नाम नहीं भी टाइप करते, pngwing लिख दीजिएगा, ये ऊपर टॉप पे ये वेबसाइट आ जाएगी, लिंक आ जाएगा, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कार्टून चाहिए, कार्टून एक मिनियंस चाहिए, मिनियंस। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड हो उसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अच्छा रेजोल्यूशन वाला इमेज है, यू नीड टू डाउनलोड दिस वन, क्लिक कर दो। फर्स्ट टाइम pngwing की एक इशू है कि आपको पजल गेम को प्ले करना पड़ता है, ये कैप्चा कहलाता है। इसको आप क्लिक करके वो जस्ट कंफर्म करता है यू आर नॉट ए रोबोट, w इज द फर्स्ट लेटर। ये फर्स्ट टाइम करना पड़ता है, फिर जितने मर्जी इमेज डाउनलोड करो। ये लो, नेक्स्ट टाइम अगर कोई और इमेज को आप करोगे, मिसाल के तौर पर ये भी चाहिए, तो देखो इमेज डाउनलोड हुए जा रहे हैं, ये साइट पे फोल्डर में आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम उसने कुछ नहीं मांगा और फौरन से पहले डाउनलोड के फोल्डर में रख दिया। ये आपके वो सारे इमेजेस हैं जिनको आप पिक करोगे। यहां से आप ये सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट आप क्लिक करके कर सकते हो, अगर मोर देन वन हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी सकते हो। और इनको यहां से आप मूव करो उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में जहां पे आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। ये एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने का तरीका है। तो ये आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाओ और जो आपको रिक्वायर्ड है आपके इमेजेस, इनको डाउनलोड करो। गूगल से कर लो, pngwing से कर लो, unsplash.com से कर लो, ये सारी वेबसाइट्स हैं। आप इसको डाउनलोड करने के बाद जहां पे आपको रिक्वायर्ड हैं वहां पे जाके इसको स्टोर कर दो। लाइक इस फोल्डर में रखना है, ठीक है, इस फोल्डर में गए, वहां से ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते थे, या यहां पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। नाम बाल का क्लैश कर रहे होते हैं तो बेहतर है वहां पे इसके नाम को रीनेम कर लो, क्योंकि हो सकता है मेरे पास ये इमेजेस मैंने पहले भी डाउनलोड किए हैं, ये कॉमन नेम दे देता है। तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ विद कार्टून करेक्टर वन, और दिस इज ए कार्टून, क्लिक करने से आप रीनेम कर सकते हो, कार्टून टू, लाइक दिस। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते थे। तो आप यहां से कट करो, और कट करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में जाओ जो कि आपकी ड्राइव के ऊपर लोकेटेड होगा, और वहां पे जाके इन इमेजेस को उस फोल्डर में जो आपने बनाया था इसी काम के लिए वहां पे रख लो, ताकि आपको कल को मैनेज करना, ढूंढना मुश्किल ना हो। ये ना हो कि आप भूल जाओ कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दो लाइक दिस। इस तरह ये अच्छी कलेक्शन बनती जाएगी और आपको फ्यूचर में काम भी आएगी। ये आपके सारे कैरेक्टर्स और ये इमेजेस इसी तरह यहाँ तक के हॉलीडे से रेलेवेंट है, बियर्ड हैं, फिर ये हैट्स हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस हैं, फैमिली पिक्चर्स हैं, आपको हो सकता है काम आ जाए। क्लिक करो, ये आपके पास। कभी आपने इनको यूज करना हो तो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड लाइक दिस। कोई आपने हॉलीडेज का एक सिंपल सा आपने कवर पेज बनाना है, हॉलीडेज प्लान किया है तो उसको आपने शो करना है, तो ये अच्छे इमेजेस हैं, इसको आप जस्ट डाउनलोड करो और उसको अपने करंट जो आपके पास है टास्क उसमें से इस्तेमाल करना। बस इसको सही तरीके से अपने पास रखना शुरू करो। ये होती है मैनेज करना, फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर के अंदर प्लेसमेंट, फैमिली पिक्स या जो भी आप इसका मुनासिब नाम देना चाहो आप रख के वहां पे, जैसे ये बाकी पड़े हैं ये भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फाइल नेम ऑलमोस्ट जनरल नेम होते हैं तो क्लैश आ जाता है, तो इसको रीनेम कर दिया करो, फैमिली फोटो, ये लो जी। वरना वो ये ना हो कि जब आप सारा काम कर चुके एक ही फोटो वो ओवरराइट हो रहा हो। नाम शाम दे दिया करो, जो कंटेंट है उसके हिसाब से नाम असाइन कर दिया करो, ताकि फ्यूचर में जब कभी आपको सर्चिंग भी करनी हो तो आपके लिए एक वे हो उस फाइल तक पहुंचने का, बजाय ये कि घूमते फिरते रहो और एक एक फोल्डर ओपन करते रहो, पता नहीं मैंने किधर रख दिया किधर रख दिया, वो मसला होगा फिर आपको। ले जी, अब आ जाओ दोबारा अपने इस पार्ट पे जिसमें आज हम लोगों ने जो अगला काम करना है। मैंने आपको स्लाइड के मुताबिक पढ़ा दिया कि अगर आपको अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस चाहिए तो कलेक्शन कैसे बनानी है। उसके बाद अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये दो टूल्स को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये दो टूल्स हैं और आज हम इन दो टूल्स के साथ, बल्कि कनेक्ट मैंने कल कर दिया था, आज थोड़ा ऑफिशियली इसको मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जूम टूल क्या होता है और हैंड टूल क्या होता है। इफ यू वांट टू मूव अराउंड योर आर्टबोर्ड्स अप डाउन लेफ्ट और राइट, यूज दिस टूल, हैंड टूल। और इफ यू वांट टू जूम इन और जूम आउट और फिट कंटेंट ऑफ आर्टबोर्ड, सिंगल आर्टबोर्ड, वो भी कर सकते हो आप। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स अगर आपके पास हैं सारे इकट्ठे देखने वो भी देख सकते हो। तो ये दो टूल्स इस्तेमाल होंगे। और ये जो टूल है जूम टूल, Z फॉर जूम टूल, इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। ये वो कीज हैं जो मैंने आपको कनेक्ट किया था कल, Ctrl+ और दूसरी Ctrl-। हाँ, माउस के साथ अगर आप करते हो, माउस को अगर आप सही तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जो कि कर लेनी चाहिए। आप अपने स्टार्टिंग डेज में जब इस टूल को आप सीखने जाओ तो माउस की व्हील की सेटिंग को एक्टिवेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट व्हील की सेटिंग एक्टिवेट नहीं होती। व्हील की सेटिंग को कैसे एक्टिवेट करते हैं वो बताता हूं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ व्हील सेटिंग, ये देखो, ये जब आप इसको व्हील सेटिंग को मैं पहले डिसेबल करने लगा हूं। दिस इज द व्हील सेटिंग, जनरल में जाके दिस इज द व्हील सेटिंग, ज़ूम विद व्हील, माउस व्हील ज़ूम के लिए यूज करना है कि नहीं करना। फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट डिसेबल होता है, ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होती। दैट्स वाई ये अब क्या कर रहा होगा, व्हील डायरेक्शन में मूवमेंट, स्क्रॉलिंग हो रही है ऊपर नीचे। और अगर आप दाएं बाएं स्क्रॉल करना चाहो तो ऑल्ट प्रेस करो, सॉरी, अगर आप दाएं बाएं प्रेस करना चाहो कंट्रोल प्रेस करो। ये उस सूरत में है जब जूम व्हील की सेटिंग ऑन नहीं की गई। विदाउट जूम व्हील सेटिंग्स, द रोल ऑफ द माउस इज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यू कैन स्क्रॉल लेफ्ट और राइट, और विदाउट कंट्रोल यू कैन स्क्रॉल अपवर्ड और डायरेक्ट डाउनवर्ड। और ये काम करने के लिए स्टूडेंट्स, ये काम करने के लिए आपके पास इजी वे इज दैट कि ये जो आपको पूरा एक इलस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, ये व्हील्स की बजाय आप व्हील के साथ इसको स्क्रॉल अप और डाउन करते, ये यहाँ से भी कर सकते हो, या अप एरो एंड डाउन एरो, यहाँ से भी ये काम किया जा सकता है। और अगर आप लेफ्ट राइट जाना चाह रहे हो तो ये राइट और ये लेफ्ट है, लेकिन यह आपके लिए इजी हो जाता है, आप बजाय स्क्रॉल बार्स के ऊपर फोकस करो, ये काम माउस के साथ भी कर सकते हो, अप और डाउन, ठीक है, ऊपर और नीचे। और इफ यू वांट टू मूव लेफ्ट और राइट, अगर दो आर्ट बोर्ड हैं, तीन हैं, चार हैं, यहाँ आपका इमेज है, इसको आपने दाएं बाएं जूम किया हुआ है, तो आपने दाएं बाएं जाना हो तो कैसे जाओगे, इसको या तो स्क्रॉल करोगे, वो बॉटम वाली बार है वहां से, नहीं तो कंट्रोल प्रेस करके करो। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप क्या करो अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात क्या हमेशा मुझे कंटेंट को अरेंज करते वक्त जूम करना पड़ता है, तो जूम करने के लिए आपके पास जूम टूल अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हो, जो कि ये टूल है, नेम इज जूम टूल। इसको एक्टिवेट करके भी आप वही काम कर सकते हो। ये जूम इन, ये देखो प्लस नजर आ रहा है छोटा सा आइकन में, ये जूम इन का है, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करो तो ये जूम आउट का है। विदाउट ऑल्ट जूम इन, विद ऑल्ट जूम आउट। इफ यू वांट टू जूम इन यू कैन डू इट लाइक दिस, ये। और देखो कितना जूम होता है, किस हद तक जूम होता है। अगर परसेंटेज अगर आपने देखनी हो वो गौर करो, कॉर्नर पे वो परसेंटेज लिखी हुई है। इस वक्त मैं 4800 पे हूं, मजीद 6400, मजीद 8500, ये कहां तक जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू जान लो आज 64000, वो है जी वैल्यू। यहां पे भी आप दे सकते हो, ये देखो छोटा सा एरो नजर आ रहा है, जब से स्मॉलेस्ट, अगर आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाना चाहो 3.13, कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ही छोटा। और ये आप यहां से कर लो डायरेक्ट जिस परसेंटेज पे जाना है। अगर आप 100% देखना चाह रहे हो 100%, अगर आप 200% देखना चाह रहे हो डायरेक्ट नंबर पे चले जाओ, नंबर ये है 200%, और एक्सट्रीम वैल्यू इज 64000, समझ लो 64000 तक आप इसको जूम करके स्क्रीन के ऊपर आप अगर डिटेल स्टडी करना चाह रहे हो, कुछ चेंजेस हैं, कुछ छोटी सी माइनर चेंजेस हैं, तो उस कार्ड के ऊपर, उस ब्रोशर के ऊपर, उस बैनर के ऊपर, तो ये बड़ी डिटेल में चला जाता है, इस हद तक जूम कर देता है। और ये कंट्रोल आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ जूम टूल, जेड फॉर जूम टूल। और आपका जूम आउट के लिए ऑल्ट प्रेस करोगे का परसेंटेज भी रिड्यूस हो रही, 6400 हो गया, 4800 हो गया, 3200 हो गया, ये ऑलमोस्ट कट करता है 50%, ये देखो। और ये इतना इस हद तक कर देता है कि आप को लोवेस्ट वैल्यू जो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3.13 होती है। अगर आपको कहा जाए कि इसमें जूम इन और जूम आउट की वैल्यूज पता है इलस्ट्रेटर में आपको, हाँ बिल्कुल 3.something होती है लोवेस्ट वैल्यू और 64000 होती है इसकी अपर, जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी जूम इन के लिए होती है। और ये काम आप जो कर रहे हो इसको और ईजी करने के लिए आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती इस टूल की। मैं ये समझता हूँ इस टूल को क्लिक करना, फिर जूम इन करना, जूम आउट करना बेवकूफ़ी सी लगती है। आप इसका अपनी लाइफ को इजी रखो, काम करते वक्त आपको ये ना हो कि मैंने जूम टूल पे क्लिक करूंगा तो जूम मिलेगा। जूम आपको किसी वक्त भी आपको करना पड़ सकता है। तो आपने एक सेटिंग को ऑन कर दिया करो, तो ये आपकी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। आप माउस व्हील जूम का जो सेटिंग है चेक मार्क ऑन कर दो, ये चेक मार्क, प्रेफरेंसेज में जाओ और इसकी सबसे टॉप पे ऑप्शन होती है जनरल ऑप्शन, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की है। इसके अलावा बेतहाशा सेटिंग्स हैं, डिफरेंट प्रेफरेंसेज। एज ए यूजर ऑफ दिस मशीन और सॉफ्टवेयर यू कैन सेट डिफरेंट सेटिंग्स, इसे बोलते हैं प्रेफरेंसेज। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको कन्फिगर करते हो, जिसमें पहली जो आपकी आई सेटिंग में कन्फिगर करने जा रहा हूँ जनरल मेन्यू में, ये है जूम विद माउस व्हील। तो सब लोग इसको ऑन ही रखना। अगर आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल अपना रखना चाह रहे हो, अपने पास रखना चाह रहे हो, तो ये इसको ऑन कर दिया करो। और मजे की चीज़ इसमें एक और देख लो लगे हाथ कि ये टिप्स भी होती हैं। टिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और टिप्स से आपको बहुत फायदा होता है। अगर ये ना हो तो क्या होता है, ये देखो ऑफ कर दिया, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। वैसे बाल का आपको टूल के बारे में जानना होता है, ये टूल्स हैं, ये टूल्स पे जानने के लिए आपको माउस को इसके ऊपर पोजिशन करना पड़ता है इस तरह। तो आप वो यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, डेमोज भी देता है बाज़ औक़ात। अगर आप क्लाउड के ऊपर कनेक्टेड हो आपको डेमो भी दे देता है। आपको इसके बारे में जानना, ये टूल का नाम क्या है, और काम क्या है कुछ नहीं पता जा रहा। इस टूल का नाम क्या है और काम क्या है, इसका मतलब टूल टिप्स नहीं आ रही। तो टूल टिप्स को जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं, तो इसको ऑन ही रखो। आज की डेट में चूंकि ये दो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, एक माउस व्हील सेटिंग, एक टूल टिप्स। क्योंकि बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर टूल टिप्स मेरे नजर नहीं आ रही, तो टूल टिप्स क्यों नहीं नजर आ रही? आपने प्रेफरेंसेस में जाके इसको डीएक्टिवेट कर दिया है, तो इसको आपने ऑन ही रखना है। ठीक है, ये टूल टिप्स ये होती हैं, टूल टिप्स को भी ऑन रखना। नंबर 2, बाकी भी सेटिंग वक्तन फवक्तन मैं आपको बताऊंगा, कंस्ट्रेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉर्नर रेडियस क्या होता है, ये बाकी सेटिंग चेक बॉक्सेस जितने हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द चेक बॉक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ योर लेक्चर्स। इंशाल्लाह ये काफी हद तक आपकी चीजें सामने आती रहेगी। सिर्फ जनरल ही नहीं होता, जनरल में आपने सिर्फ 2 ऑप्शन को भी मैंने टिक किया, एक शो टूल टिप्स को, दूसरा जूम विद माउस व्हील को। ठीक है, अगर आप जनरल से हट के बात करते हो तो ये सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले है। क्या है, क्या ऑन करना है, कब ऑन करना है, इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। फिर टाइप से रेलेवेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चेक बॉक्सेस क्या ऑन है क्या ऑफ है, यूनिट से रेलेवेंट ये ऑप्शंस हैं। फिर गाइड्स एंड ग्रेड लाइंस हैं, आज आप देखोगे गाइड्स एंड ग्रेड लाइंस। मैं भी थोड़ी देर में गाइडलाइन लगाने लगा हूं, ग्रेड लाइन दिखाने लगा हूं। तो ये कलर्स हैं, इसके सियान कलर है इस वक्त, किसका? गाइड्स का। गाइड्स का जहां तक ग्रेड्स का ताल्लुक है, ये आपको लाइट ग्रे कलर नजर आ रहा है। ये 2 कलर्स अगर आपने देख ली हो, थोड़ी देर में मैं ग्रेड्स एंड गाइड्स को दिखाऊंगा, तो आपको कहे सर इसका कलर कैसे सेट होता है, तो उसके लिए आपने मुझसे पूछे बगैर यहां पे आ जाना है, ये कलर यहां से सेट होता है, गाइड्स का भी और नीचे ग्रेड्स का भी। और यहां तक के वो ग्रेड्स थोड़ी बड़ी करनी है, लाइंस के साथ ग्रेड्स देखनी है, ये डॉट्स के साथ ग्रेड्स देखनी है। ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको खुद भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे समझ आ जाएगी। ये मैं रफली आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये प्रेफरेंसेस हैं। स्मार्ट गाइड्स भी होती हैं जनाब, स्मार्ट गाइड्स आमतौर पे पर्पल कलर की होती हैं, लेकिन बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये गाइड्स जो है मजट्टा कलर के अलावा कोई और हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इस कलर को आप जब मर्जी चेंज कर लो। ये कलर पिकर है, यहाँ से आप इस कलर को मैजेंटा की बजाय जो डे शेड आपको पसंद है वो कर सकते हो। ये अभी आपको स्मार्ट गाइड्स भी नजर आएंगी, अभी आपको गाइडलाइंस भी नजर आएंगी। ये जब नजर आए तो अगर आपको कहा जाए कि इसकी सेटिंग्स कितने हैं, तो आपने प्रेफरेंसेस में चले जाना है। समझ आ रही है बात की? अगली बात स्लाइसेस हैं, अभी स्किप जस्टिस पार्ट हाइफिनेशन है, टेक्सचर एलिमेंट है, प्लग्स हैं, यूजर इंटरफेस, ये आ गया यूजर इंटरफेस। अभी आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो इस कलर के साथ, ब्राइटनेस के साथ, बाद आप अपनी कंपनी में बैठे हो, नाइट ड्यूटी होती है या मॉर्निंग की ड्यूटी होती है, उस हिसाब से आपको ब्राइटनेस स्क्रीन की कंट्रोल करना चाह रहे हो। मैं इस वक्त थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये सराउंडिंग का कलर, ये आपको जो दिख रहा है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैं मोर ब्राइटनेस लेके आना चाह रहा हूं। ये आप यहां से यूजर इंटरफेस ये है जी, ये है जी। ये अगर आप बिल्कुल नाइट टाइम पे काम कर रहे हो, आपको लाइट जो है इसकी रिफ्लेक्शन डिस्टर्ब कर रही है, गो विद ब्लैक शेड। बिल्कुल प्रेशर लाइट का आपको नहीं पड़ेगा, आपकी आईज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ब्राइटनेस जो है, जिस तरह आप अपनी मोबाइल स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करते हो, नाइट के टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रही होती है आईज को, आप उसको लो वैल्यू पे ब्लैक पे ले आते हो। और जब आप मॉर्निंग में होते हो और जब आप सनलाइट के अंदर आपको एक्सपोजर मिलता है स्क्रीन को, तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता, आपको ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है ना। सेम सीन ये है, यहाँ पे आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे यहां से कंट्रोल कर लीजिएगा जो आपको मुनासिब लगे, जितना आपको। और ये पूरे पूरी स्क्रीन के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी, वो आपकी टाइटल बार में भी नजर आ रही है, मेन्यू बार में भी नजर आ रही है, कंट्रोल मेन्यू भी नजर आ रही है, पूरी स्क्रीन की सराउंडिंग जो आर्ट बोर्ड के अराउंड है वहां पे भी नजर आ रही है, इस विंडो जिसमें हूं इसमें भी नजर आ रही है, जो पैनल्स हैं वहां पे भी नजर आ रही है। अगर आप समझते हो कि आप इसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर लेना। तो बाय डिफॉल्ट वैसे ये सेटिंग्स होती हैं, अगर आप इसके साथ जाना चाहो आप इसको ऑन कर सकते हो। और मजे की बात ये ऑटो, ये इसको आप अगर आप चाहो टोटल व्हाइट कर दो, वाइट कर दो, अगर सराउंडिंग अगर वाइट कर दो तो जो कि आपका कैनवस है, कैनवस का मतलब पूरी स्क्रीन, ये मैच कर जाएगा, ठीक है, आपके आर्टबोर्ड के कलर के साथ। अगर आप चाह रहे हो नो ऐसा ना हो, ये तो यूजर इंटरफेस की ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द आर्टबोर्ड, थोड़ा जो ऊपर आपका कलर है उसके साथ मैच करना है, ये वाली ऑप्शन ऑन कर दो। ये हम बहुत रेयर होता है कि इसको हम ऑन करते हैं, इसमें फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है आर्टबोर्ड कौन सा है और सराउंडिंग का सरफेस कौन सा है। तो हम आमतौर पे इसको मैच यूजर इंटरफेस ब्राइटनेस के साथ करते हैं। ये छोटी छोटी ऑप्शन है। बाद आपको टैब्स देखने हैं, और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कल हमने किया था ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब्स, याद है? जब कभी आप ओपन करते हो ये टैब्स के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे ना। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा? और अगर आप टैब्स को साइज छोटा करना चाहो, वो देखो ऊपर क्या हुआ, बिजनेस कार्ड, ये टैब का साइज कितना मिनी नहीं हो गया, छोटा सा, ये यहां से कर लेना, देख रहे हो छोटा बड़ा हो रहा है, उस बार का साइज भी छोटा हो रहा है, ठीक है। ये अगर आपको इसको हम ऑन ही रखते हैं, और अब ये देख लो, पहले तो ओपन वाले को देख लेते हैं, ओके कर दो। और भी हैं बहुत सारी चीजें, और भी करने वाली होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अभी जो करंट फेज में हमने सीखा है उससे रेलेवेंट बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि एज ए टैब ओपन होगा, वो आपने ऑप्शन को डिसेबल कर दिया। देखते हैं कि अब क्या होगा, ओपन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट। क्या हुआ? क्या उसके बराबर में टैब ओपन हुआ? नो, उसके ऊपर ओपन होगी विंडो, यहां तो नहीं आई। मुझे स्विच करने में मसला होगा ना। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे, ये स्टैकिंग ऑर्डर में रखते हैं, एक बड़ा हुआ है उसके ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा, ये स्टैक में रख देगा। स्टैक में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक से दूसरे में स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बिजनेस कार्ड को मैंने एक्टिवेट जरूर कर दिया है, लेकिन स्टैकिंग ऑर्डर में चूंकि उसके पीछे है, दिख नहीं रहा बिजनेस कार्ड वाला आपका डिजाइन। स्टैकिंग ऑर्डर में ये ऊपर है, चूंकि यही दिख रहा है एक्टिवेट हो, हालांकि अब एक्टिवेट हुआ है। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड वाली जो फाइल है उसको भी अगर ऑन करूं, नहीं दिखेगा। इसका तरीका क्या हो सकता है? इसको मैन्युअली आपको ड्रैग करना पड़ेगा ऐसे, और इसको पुट करना पड़ेगा ओवर हियर। ये वो सीन है जो बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर होता है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अगर मैंने दोनों को देखना था, अब मैं देख पा रहा हूं, ये देखो। और अगर मैंने एक और ओपन किया, वो इसके ऊपर आएगा, इसके बराबर में टैब नहीं होगा, इसके ऊपर आ जाएगा, फिर मैनेज करना पड़ेगा खुद मैन्युअली। तो ये आप क्या पसंद करोगे? नो। तो इसकी सेटिंग को भी, और ये सेटिंग आप डायरेक्ट भी जंप कर सकते हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये जिस तरह ये गाइड्स एंड यूनिट्स हैं, ये टाइप है, ये यूजर इंटरफेस, याद है अभी जो मैं कर रहा था, यूजर इंटरफेस को देख रहा था ना। यूजर इंटरफेस पे चले जाओ और इस ऑप्शन को चेक ऑन ही रखो। आइकॉनिक उसकी वो ऑटो कोलैप्स के हवाले से बात है। ये परफॉर्मेंस है, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस। इसकी जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह यहाँ पे भी आऊंगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, आप जब कभी कोई काम करते हो आपको अंडू रिक्वायर्ड होता है। अगर गलत हो जाए एक्शन तो अंडू रिक्वायर्ड होता है। अंडू के लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स यहाँ सेट होते हैं। मिनिमम 50 है, मैक्सिमम अंडूज 200 होते हैं इसमें इलस्ट्रेटर में। और जहां तक कॉरल की बात है, उसमें 1 लाख होते हैं, 1 लाख होते हैं अंडूज। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा 50s होके, क्योंकि अल्टीमेटली बोझ किस पे पड़ना है? इसकी मेमोरी पे, क्योंकि हर चीज रैम में लोडेड है। तो जो आपके जब प्रीवियस स्टेप्स हैं वो भी तो रैम में स्टोर हो रहे हैं, परमानेंट कहीं थोड़ी हो रहे हैं, रैम में हो रहे हैं। रैम में जितने स्टेप्स ज्यादा स्टोर होंगे आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और ये आपकी जिस आइटम यहाँ लिंक पे रखा उसका नाम भी देखो क्या है, जिसको मैंने क्लिक किया उसका नाम क्या है, हैं परफॉर्मेंस, और अंडर परफॉर्मेंस ही अंडू लेवल्स होते हैं। तो ये मैं आपको ये कहूंगा कि इसको 50 ही रखिएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फाइल हैंडलिंग एंड क्लिपबोर्ड है, जस्ट रिकवरी के लिए होती है, कुछ काम कर लें, फिर मैं इस ऑप्शन को भी जरूर डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस ऑफ ब्लैक है, जस्ट डिवाइस है, अभी ऐसा इसकी कभी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ओके कर देते हैं। तो मैंने कुछ प्रेफरेंसेस आपसे डिस्कस किए आज, क्या क्या डिस्कस किया है, जूम की, हाँ जूम विद माउस व्हील की सेटिंग्स हैं, फिर स्क्रीन के ऊपर ये टिप्स हैं जो अभी आपको नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है, आ गई ना येलो कलर में, ये ऑफ की थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो ये अगर होंगी ऑन तो आपको कम से कम उसका नाम का तो पता होगा ना, टूल का नाम क्या है, जैसे ये टूल और इसकी शॉर्टकट की क्या है, ब्रैकेट में लिखी हुई नजर आ रही है जेड। जेड का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आप किसी भी टूल पे हो और अगर आपको अगर जंप रिक्वायर्ड है जेड प्रेस कर दो, तो जेड जैसे मैं प्रेस करूंगा वो देखो वो टूल फ्रॉम हेयर टू देयर आपका एक्टिवेट हो गया। इसके बराबर में हैंड टूल है, उसकी की है एच, इसका काम वही है जो आपकी स्क्रॉलिंग का होता है। मैं जूम करता हूं जरा इसको, ये जैसे मुझे इधर इस तरफ जाना है या थोड़ा सा ऊपर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, ये हैंड टूल है। हैंड टूल आपको यहाँ पे हेल्प करता है कि टाइलिंग को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। सिर्फ 2 टूल्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, एक जूम टूल, जूम टूल के रेलेवेंट कुछ कीज भी हैं वो व्यू मेन्यू में होती हैं, वहां से उसको देख लेते हैं, और हैंड टूल, हैंड टूल का काम कब शुरू होता है जब आप एक साइज के ऊपर इसको जूम कर लेते हो और आपको मूव करना होता है, ऊपर और नीचे देखना होता है कुछ, ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट की भी है। तो आप किसी जगह पे हो, जरूरत नहीं इसके ऊपर आने की, मैं आपको ये कहूंगा ना इस टूल को भी छोड़ दो, इस टूल पे आना जाना भी छोड़ दो, आप किसी टूल पे भी हो, आप वक्ती तौर पे आप जूम अगर करना चाहो तो माउस व्हील इज अवेलेबल, जिस पार्ट को देखना चाहो वहां जाके इसको जूम कर लो, जिस पार्ट को देखना चाहो वहां जाके जूम कर लो, तो आपको कतई जरूरत नहीं पड़ती कि जूम टूल को क्लिक करो, एक तो ये भूल जाओ। हालांकि मैंने टूल कौन सा एक्टिवेट किया है, वो ऊपर सिलेक्शन, उस पर तो मैं आया भी नहीं, इसका मतलब इस पे आने की आपको जरूरत खत्म हो गई। दूसरी चीज, जब आप जूम करते हो और एक सेगमेंट आपका नजर आ रहा है, दूसरा सेगमेंट आपने देखना है इसी आर्टबोर्ड का, तो इसकी शॉर्टकट की भी याद कर लो, ये फोटोशॉप में भी थी, ये इसमें भी है, स्पेस बार, ये देख रहे हो माउस की शेप क्या है, स्पेस बार प्रेस करो, माउस की शेप ऑटोमेटिकली हैंड साइन के साथ आ जाती है और माउस आपके पास अवेलेबल है। ये लो, जूम करना है जूम कर लो, स्पेस बार से आप दाएं बाएं इस तरह मूव कर सकते हो, जूम करना है जूम कर लो, जूम आउट करना है जूम आउट कर लो, और स्पेस बार से किसी वक्त भी एक जगह से दूसरी जगह आपने शिफ्टिंग करनी हो, इस तरह स्क्रॉलिंग करनी हो, आपको नेविगेशन करना ओवर द स्क्रीन और आर्ट बोर्ड, यू कैन डू इट। तो ये 2 टूल्स तो हो गए खत्म। जहां तक ये जूम टूल का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, इसके साथ कुछ कीज को भी स्टडी करना पड़ता है, वो है व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में उम्मीद है दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 4 कीज आपने इस्तेमाल करनी होती है, कंट्रोल+, कंट्रोल-, कंट्रोल-0 और कंट्रोल-0। फर्क क्लियर आपको पता है, चारों कब इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, जूम करने के लिए ये तो हो गया जूम का काम, और ये आपका पूरा ये स्लाइड क्लियर हो गई है, ठीक है। और अगर आप अगली स्लाइड पे आते हो तो एक ऑप्शन को भी आज देख लो, सीख लो, व्यू मेन्यू में भी ये तो हमने कर लिया, जूम इन जूम आउट होता है, लेकिन विंडो मेन्यू में भी एक नेविगेटर होता है, पैनल होता है, जिसमें लेयर का पैनल है ना, प्रॉपर्टीज का पैनल है, कलर्स हैं, गाइड्स हैं, बहुत कुछ है उसमें। तो आप विंडो मेन्यू में जाओ, ये काम करने का एक और मेथड भी है। आज हम एक टूल, एक पैनल ओपन करने लगे हैं, पैनल का नाम है, क्या लिखा हुआ है, नेविगेटर, ये क्या लिखा हुआ है, नेविगेटर। इसको अगर आप क्लिक कर दो ये बॉक्स आ जाता है, ये बॉक्स भी आपके लिए वही काम करेगा जो जूम इन जूम आउट कर रहा है। ये देख रहे हो, जिस पार्ट को आप क्लिक करोगे सामने आ जाएगा, 3 आर्टबोर्ड है ना, जिस आर्टबोर्ड के जिस हिस्से को जूम करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप क्लिक कर दो, एक छोटा सा बॉक्स रेड कलर का नजर आ रहा होगा, इस पार्ट को जूम करेगा जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर करना चाह रहे हो ऊपर कर लो, ये लो, ये इसे जूम कर रहा है उस सेगमेंट को। ये नेविगेटर का एक आपके पास अवेलेबल है एक पैनल, और अगर आप ये जूम इन करने के लिए है और ये जूम आउट करने के लिए, ये यहां से भी कर सकते हो। जूम आउट, दिस इज जूम आउट एंड दिस इज अ जूम इन। यहां से ये लो, ये छोटा आइकन जो है जूम आउट का है, ये बड़ा आइकन जो है जूम इन का है, और ये नेविगेट करने का है। इससे आप जिस सेगमेंट को आप लेके आना चाहो, हाईलाइट करना चाहो, जस्ट स्क्रॉल दैट, पुट दैट रेड रेक्टेंगल ऑन दैट स्पॉट। और ये चाहे इधर से कर लो, चाहे डायरेक्ट ये दे दो। और हाईएस्ट वैल्यू मैंने आपको बोल दी, लोवेस्ट वैल्यू आपको बोल दी, वो यहाँ पे भी पड़ी हुई नजर आएगी। आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी उस वैल्यू के ऊपर आप जा सकते हो। ये यहाँ पे अवेलेबल है परसेंटेज। और जब काम हो गया, नेविगेटर का काम बस इतना ही है। इसका मतलब आज आप लोगों ने स्टूडेंट्स ज़ूम टूल क्लियर विद शॉर्टकट कीज, हैंड टूल क्लियर विद शॉर्टकट की, इसके अलावा व्यू मेन्यू में आज आपने क्या सीखा? एक तो ये चार ऑप्शंस को आपने देख लिया। इसके बाद विंडो मेन्यू में एक पैनल भी देख लिया नेविगेटर के नाम से, ये भी हो गया। कंट्रोल्स ऑन किए में क्या है आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा वर्कस्पेस। वर्कस्पेस मैंने आपको बोला था आपके पास तकरीबन वर्कस्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्कस्पेस हैं डिफरेंट नेम्स के साथ। एसेंशियल क्लासिक, लेआउट, पेंटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ट्रेसिंग, ट्रेस करना करो आपके पास अगर इमेजेस हो और उसको ट्रेस करना हो तो इंशाल्लाह ट्रेसिंग का भी हम देखेंगे। टाइपोग्राफी, अगर आपको टाइपिंग से रेलेवेंट कोई अपना एक पेज रेडी करना है जिसमें टाइपिंग वगैरह करनी है, स्पेलिंग वगैरह, ग्रामर चेक करनी है, ये सब कुछ वो टाइपोग्राफिक्स का आपको पैनल आ जाएगा। असल में ये वर्कस्पेस होता क्या है? वेरी सिंपल वर्ड्स में, वर्कस्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पैनल्स, अरेंजमेंट ऑफ पैनल्स प्लस टूल बॉक्स प्लस मेन्यू प्लस शॉर्टकट कीज। अब जो मैंने बताया इसके मुताबिक मैं आपको कस्टमाइजेशन करने लगा हूं, पैनल्स को तरतीब में लगाने लगा हूं, टूल बॉक्स को अपनी जरूरत के मुताबिक टूल्स को अरेंज करने लगा हूं। फिर इसके अलावा मैं एडिट मेन्यू में आज ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसको भी आपके साथ डिस्कस इसलिए करूंगा कि आपको बाज़ औक़ात इसमें आप कुछ ऑप्शन देख रहे होंगे जिसके सामने शॉर्टकट नहीं है, कुछ ऑप्शन देख रही होंगी जो बड़ी फेमस हैं उनके आगे शॉर्टकट्स हैं। आप दोनों चीजें कर सकते हो, एक ये जो शॉर्टकट असाइन हुआ हुआ है इसको रिमूव कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई शॉर्टकट देना वो दे सकते हो, किसी को नहीं मिला तो शॉर्टकट असाइन किया जा सकता है। तो इसका मतलब है शॉर्टकट्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक एज ए यूजर और ग्राफिक डिजाइनर ऑफ यूजिंग दिस मशीन, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। ये करनी है कर लो, और ये करने के लिए जनाब आपको शॉर्टकट कीज को, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को एडिट मेन्यू के थ्रू आपको देखना पड़ेगा। कुछ शॉर्टकट कीज आपको याद हैं, कुछ शॉर्टकट कीज आपको नहीं पता। मजे की बात सुनो, इसमें आपको सारी की सारी शॉर्टकट कीज टूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करने चला गया। और मजे की बात है इस लिस्ट में तमाम वो टूल्स हैं जो ये साइट पे पड़े हैं, उनके नाम नजर आ रहे होंगे। पहला टूल सिलेक्शन, ये बराबर में टूल डायरेक्ट सिलेक्शन, ये नीचे वाला मैजिक बैंड, साथ वाला लेसो, उसके नीचे ये आर्टबोर्ड, ये वाला ये टूल, ये आर्टबोर्ड। नाम भी दिख रहे हैं, उसके साथ असाइन उसकी शॉर्टकट कीज भी दिख रही है। ऐसा ही है ना जूम टूल, जरा देखते हैं किधर है, थोड़ा नीचे जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जूम टूल का इस्तेमाल भी किया, कहां नजर आया? ये है जी जूम टूल, शॉर्टकट कीज नजर आ रही है ना, जेड। आप इसको खत्म करना चाह रहे हो, ये लो खत्म हो गई शॉर्टकट की जो आपने दी थी वो खत्म कर दी है। Z अगर प्रेस करते हैं, आप देखते हैं, लेट्स सी, अभी जंप हो रही है, अभी साइन है। इसको जरा जाके देखते हैं, इसकी वैल्यू को हम रीसेट कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। एडिट में जाओ और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओ और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखो, ज़ूम है, ये हैंड टूल भी है बराबर में। इनको अगर आप डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर सकते हो। H तो गया, Z फॉर ज़ूम, ये लो, ये भी गया। दोनों कीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाई और वो एक्टिव थी, अब नहीं है। ये टूल से रेलेवेंट मैंने बताया है। और मजे की बात, अगर हम अपने मेन्यूज की सेटिंग करनी है, शॉर्टकट्स की अरेंजमेंट करनी है, डिलीट करना है, चेंज करना है, गो विद मेन्यू कमांड्स। ये मेन्यूज आ गए। ये फाइल से रेलेवेंट आपको पता है, न्यू, कंट्रोल एन, ओपन, कंट्रोल ओ, सारी कीज। इसका मतलब एक ही आपके पास कीबोर्ड की शॉर्टकट्स में दोनों चीजें मिलेंगी, मेन्यू कमांड्स भी मिलेंगी और टूल्स के रेलेवेंट भी। आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है। ओके कर दो। इसको एक फाइल के तौर पे आपको सेव करना पड़ेगा, कर देते हैं। लाइक मैं अपने नाम से सेव कर लेता हूं, MUAZZAM। ओके, फाइल बन गई। अच्छा, अभी क्या हुआ? अभी आपकी वो शॉर्टकट कीज जो थोड़ी देर पहले तक वर्किंग में थी, ऑर्डर में थी, उसको हमने डिसेबल कर दिया। Z में प्रेस कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। H में प्रेस कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। जो ऑप्शंस आपकी कीबोर्ड की असाइन की गई थी उनको मैंने खत्म कर दिया। और सिर्फ यही आप नहीं कर सकते, बल्कि ये मेन्यू की ऑप्शन नजर आ रही है, इनको भी आप डिसेबल उसी तरह कर सकते हो जैसे टूल्स की कीज को मैंने डिसेबल किया। तो ये कर दिया जाए अगर, और मैं कुछ 2-3 कीज को डिस्टर्ब करता हूँ और फिर मैं वर्क स्पेस बनानी सिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं वर्क स्पेस में क्या ये भी सेटिंग जो नहीं की जा रही है ये भी स्टोर होंगी। ठीक है, करके देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन एक काम और करते हैं, मैं 2-3 अपनी शॉर्टकट कीज को रिमूव कर देता हूं या कोई नई सेट कर लेते हैं। ये देखो, मेन्यू कमांड में जाओ और मेन्यू कमांड में जाके बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी कंट्रोल N नहीं चल रही, पता नहीं वो कहां से किसने क्या किया। वो किया क्या है, यहाँ पे आके उसने इसको क्रॉस कर दिया, ये गई, कंट्रोल N इज गॉन, कंट्रोल O नहीं चाहिए, गॉन। ओके, अब इतनी सी बात है। आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द सेट, दिस फाइल के अंदर अपडेट करना है। लाजमी होता है, आपकी एक फाइल बन रही है, कहीं पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी ना जहां से वो उसको लोड करता है। तो मैंने अपने नाम की एक फाइल बना दी थी, यस कर दो सेव इसको भी। अब चेक करो, क्या कंट्रोल N नजर आ रहा है, क्या ओपन के सामने कंट्रोल O नजर आ रहा है? नो। ये मैंने शॉर्टकट कीज चेंज कर दी, टूल बॉक्स के अंदर भी कर दी, मेन्यू में भी, जहां तक मैं कर सकता हूं। मैं सारी भी चेंज कर सकता हूं, सारी को मैं खत्म भी कर सकता हूं, सारी नई से असाइन भी कर सकता हूं। समझ बात? असाइन कैसे करते हैं वो भी देख लो। अगर आप, ये तो मैंने खत्म करना सिखाई ना, अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी की देना जो पहले से। और अच्छा, ये सारी सेटिंग किसमें स्टोर हो रही है स्टूडेंट्स? ये मेरे नाम में, ये मैंने अपना नाम दिया था ना। आपको अगर रिकवर करना हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने ये काम करना है, इससे हर चीज फिक्स हो जाएगी। मतलब क्या? रीसेट हो जाएगी। रीसेट का मतलब क्या? शॉर्टकट कीज मेन्यूज की भी वापस आ जाएंगी। टूल बॉक्स में अगर आपने उसका सत्यानाश कर दिया है, खत्म कर दिया सब कुछ, तो मसला नहीं। आप एक नहीं, आपने सारी कीज ही डिस्टर्ब कर दी हो, कोई मसला नहीं। फिर क्या हुआ? इलिस्ट्रेटर डिफॉल्ट आपको रिकवर कर देगा। और मजे की बात सुनो, कल को आपका ये लैपटॉप है, एक घर पे पड़ा हुआ है, आप कहते हो सर जो मैं सेटिंग करता हूँ कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज की, टूल बॉक्स की या मेन्यू की कीज की, क्या ये घर वाले कंप्यूटर पे भी ये मिलेगा या वहां पे जाके मुझे नए से करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप इसको सेव कर लो, यहां से ये सेव हो जाती है फाइल, इसी को सेव कर लो। अब मजे की बात है, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना इस फाइल को। ये फाइल है आपकी, आपने जैसे इसको ओपन करना है कनेक्ट हो जाएगी, मसला कोई नहीं है। तो ये आपको, अच्छा, जहाँ तक शॉर्टकट की साइन करने का ताल्लुक है वो भी मैं आप करके दिखा देता हूँ। मेन्यू कमांड में जाओ, फाइल मेन्यू में जाओ, इसकी डिटेल में जाके न्यू में यहाँ पे क्लिक करके कीज असाइन कर दो। लेकिन ये ऐसी असाइन करनी है जो आपकी क्लैश ना आए। शिफ्ट कंट्रोल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑल्ट कंट्रोल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंपल कंट्रोल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंपल शिफ्ट कंट्रोल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑल्ट कंट्रोल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे साइन कर दो ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एन। लेट्स सी अलाउड है कि नो। दो कीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीन का अलाउ नहीं कर रहा। शिफ्ट कंट्रोल आर। जब वार्निंग आ गई तो समझ जाओ कि ये की पहले से साइन है, भूल जाओ इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ वर्किंग इसकी सेट की हुई है इलस्ट्रेटर ने। कुछ और ले लो, शिफ्ट कंट्रोल 7 दे देते हैं, कंट्रोल 7 दे देते हैं, ऑल्ट कंट्रोल यू दे देते हैं। क्लिक पहले कर दो, एक्टिवेट कर देना, ऑल्ट कंट्रोल यू देते हैं। मैंने ऑल्ट कंट्रोल यू दे दी। अब होगा क्या, ये अब अवेलेबल है, आपको वही एक्शन करने का जो न्यू के लिए होता है। और ये सामने भी आ गई, ये देख रहे हो, शॉर्टकट की आपने चेंज कर दी। यहाँ पे वैसे होता है क्या है कंट्रोल एन, लेकिन आपने क्या दे दिया ऑल्ट कंट्रोल यू, होगा वही जो न्यू का एक्शन है। ऑल्ट कंट्रोल यू, न्यू न्यू न्यू, यही आना था ना न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग। और अब आपको एक चीज तो मैंने ये कर दी, दूसरी चीज मेन्यू है या टूल बॉक्स की कीज हैं, ये यहां से चेंज करनी है आपने स्टूडेंट्स, क्लियर। दूसरी चीज, दूसरा मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं, ये टूल बॉक्स नजर आ रहा है, मैं इसको भी अब एडिट करने लगा हूं। ये यहां से होता है, ये 3 डॉट्स है। मैं जरा 2-3 चीजें कर लूं, फिर मैं इसको वर्क स्पेस में स्टोर करूंगा आपके नाम पे। दूसरी चीज मैं जो कर रहा हूं, प्लान मेरा ये था कि मैं अपने टूल बॉक्स को खुद कस्टमाइज करूं अपनी मर्जी से, जो टूल जहां चाहिए। मुझे नहीं पसंद इलस्ट्रेटर ने जो किया है, ये आप यहां से चेंज कर लो, ये लो, ड्रैग करके निकाल दो। जो आपके इररेलेवेंट हैं, जो आप समझते हो कि नहीं चाहिए, ये जूम टूल भी निकाल दो, ये हैंड टूल भी निकाल दो। इसका मतलब आपने उन टूल्स को माइनस कर दिया जो नहीं चाहिए आपको। और अगर आपको चाहिए, ये चाहिए था लेकिन आपको यहां नहीं चाहिए था, बल्कि इसको आपने इस टूल के साथ रखना है। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं आपको। ये टूल आपने इसकी इस जगह पे सेपरेट टूल के तौर पे प्रेजेंस चाहिए या इसका हिस्सा बनाना है। मैं इसका हिस्सा बना देता हूं, ये देखो। अब ये टूल जो आपका, मैंने ये यहां पे आ गया, हिस्सा भी बना सकते हो। जब मैं हिस्सा बनाता हूँ, ग्रुप का हिस्सा बनाता हूँ। जब आपको एक ब्लू रेक्टेंगल नजर आए, ड्रॉप कर दो। मजे की बात है, ये इसका हिस्सा नहीं था। ये रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, और ये देखो सिलेक्शन टूल इधर आ गया। इसका मतलब जितनी आपने इसमें गड़बड़ क्या मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है, कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने क्या क्या कर दिया, आपने शॉर्टकट की चेंज कर दी, डिस्टर्ब कर दी, टूल बॉक्स का शॉर्टकट की का पैनल डिस्टर्ब कर दिया, पूरे टूल बॉक्स को आपने आगे पीछे कर दिया, क्योंकि आपको ये जरूरत थी, आपने कर दिया। अब ये है जी वो, अब मैं अगली बात करने लगा हूं, ये है जी वो पैनल्स। क्या आपको ऐसे ही रखने हैं, क्या आपको ऐसे ही रखने हैं, या इनको आप अपनी मर्जी से तरतीब लगाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे ये लेयर पैनल है, आपने इसके साथ रखना है, इधर इसका हिस्सा बनाना है। पहले ये 2 थे, प्रॉपर्टीज, लाइब्रेरीज। मैं समझता हूं लेयर पैनल इसके साथ आना चाहिए, मैंने रख दिया। और बल्कि इसके साथ क्या, ये दरमियान में आना चाहिए। ये लो, ड्रैग करके इस बॉक्स के ऊपर सेंटर में रख दो, ये लो, तरतीब आगे पीछे कर लो। पैनल्स को अपनी मर्जी से तरतीब लगा लो। जो नहीं चाहिए ऑफ कर दो, जो चीज जहां रखनी है रख दो। और रखने के बाद ये टूल बॉक्स को अगर आपने बिल्कुल इधर लगाना, इधर लगा दो, इधर रखना, इधर रख दो इसके साथ, ये लो। अब ये काम करने के बाद आपने इसका मतलब पैनल्स को भी अपनी मर्जी से, आपको एक और पैनल चाहिए, मिसाल के तौर पे पैनल चाहिए आपको लिंक्स का, या नेविगेटर का भी पैनल आपको चाहिए, सीखा है आपने, काम करना था उसके साथ। ये लो, ये पैनल को आपने इसका हिस्सा बनाना है, ये लो, यहां रख दिया। 4 टैब्स आ गए, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, लाइब्रेरीज, नेविगेटर और एक और, बल्कि नेविगेटर के साथ होता है इन्फो का भी, ये 5 पैनल्स आ गए। आपको इसका इस्तेमाल करना था, इकट्ठे यहाँ रखने थे, रख दो। और अब आपने एक काम करना है, जब ये सारी चीजें हो जाएं स्टूडेंट्स, तो आपने वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ पे उसको कहना है कि मुझे ये कोई भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी वर्क स्पेस जो अभी सेट किया है मैंने, सारी सेटिंग्स, चाहे वो शॉर्टकट कीज मेन्यूज की हों, शॉर्टकट कीज आपके टूल बॉक्स की हों, आपकी अरेंजमेंट ऑफ ये पैनल्स हों, इनको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, न्यू वर्क स्पेस मोहम्मद अली। ये वर्क स्पेस का नाम रख दिया। आप बंद करके चले जाओ चाहे। अगले दिन जब आओगे, आप किस वर्क स्पेस में काम करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हो कि मैंने अपनी अरेंजमेंट की है टूल बॉक्स की, मेन्यूज की, पैनल्स की, सब कुछ वैसा चाहिए, तो आप मोहम्मद अली की वर्क स्पेस में काम करो। लेकिन कल को मिस्टर कैफ आते हैं, सर वो कहते हैं सर ये पैनल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इसका डिफॉल्ट वर्जन मैंने लोड करना है, मैंने क्या कौन सा क्लासिक करना है या एसेंशियल करना है, वो कहते हैं क्लासिक करना है। तो मैं कहूँ क्लासिक उसकी ऑप्शन जाके ऑन कर दो, इतनी सी बात है। ये देखो आपने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन किया काम करने के लिए, बिजनेस कार्ड को आपने यहाँ पे बनाना था, इसको ओपन किया, पैनल देखो, टूल बॉक्स देखो, मेन्यूज देखो, कौन से आएंगे, प्लेसमेंट देखो, क्या ये टूल बॉक्स उधर है जहां होना चाहिए, नहीं, ठीक है, इसकी पोजीशन जहां पे आपने लास्ट टाइम रखी है, और ये इस वक्त वर्क स्पेस कौन सी लोडेड है, ये यहां से चेक कर लो, मोहम्मद अली। और अगर आप चले जाते हो, आपका ड्यूटी आवर्स क्लोज हो गए, मिस्टर कैफ आते हैं, वो आके एसेंशियल क्लासिक को लोड कर देंगे। जो टूल बॉक्स है वो अच्छा, ये देखते हैं जरा, ये रीसेट नहीं हुआ, टूल बॉक्स भी रीसेट नहीं हुआ, क्योंकि इसको रीसेट करने की अपनी ऑप्शंस हैं। और अच्छा ये एक चीज रीसेट तो हो जाएगा अभी, मैं इसको एक काम करता हूँ, चूंकि मैं वर्क कर रहा था क्लासिक वर्जन में, तो इसको भी रीसेट करना जरूरी है, इसको भी रीसेट करो ना यहां से। क्या ये वैसे ही नहीं आ गया, पैनल्स कम से कम, मेन्यू देखते हैं, मेन्यू के अंदर भी आपको चेंज तब तक नहीं होगी जब तक रिस्टोर नहीं करोगे, ये करना पड़ेगा। पैनल्स की तरतीब समझ लो आपकी वर्क स्पेस में स्टोर होती है, बाकी इंडिविजुअली आपको करनी पड़ती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सर ये टूल बॉक्स तो वैसा नहीं है जैसे डिफॉल्ट होता है, क्या ये रीसेट करने की ऑप्शन है, मैं कहूंगा है, वो ये है, 3 डॉट्स, और यहां पे जाके आप इसको कर दो रीसेट, ये ऑप्शन, ये वाहिद ऑप्शन है जो आपकी करंट जो भी टूल बॉक्स है उसकी ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो जाएगी। ये तो हो गया ठीक मामला, अब मसला कहां रह गया, क्या ये शॉर्टकट की भी रिकवर हुई, शॉर्टकट की रिकवर नहीं हुई। शॉर्टकट की रिकवर करने के लिए आपने क्या करना है, ये तो टूल बॉक्स फिक्स हो गया, शॉर्टकट की रिकवर करने के लिए आपने वहीं जाना है जहां शॉर्टकट की असाइन की थी, ऐसे ये कीबोर्ड शॉर्टकट, यहां चले जाओ। अब यहां पे जाने के बाद आपको चेक करना है कि ऊपर कौन सा सेटिंग लोड है, मेरे नाम से रीसेट करनी है, ये इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। क्या अब पॉसिबल, आपका एवरीथिंग इज ओके, कंट्रोल एन आ गया, पुराना खत्म हो गया, जो मेरे नाम से स्टोर थी सेटिंग्स वो भी रिकवर हो गई, यहां तक के जो कीज इसकी साइन की गई थी वो भी वापसी हो गई। इसका मतलब आप अपने टूल बॉक्स को फिक्स करने का एक अलग मेथड है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को रिकवर करने का अलग एक मेथड है, वर्क स्पेस सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लेसमेंट्स जो होती हैं उनको रखता है, पैनल्स की, ठीक है। और रिकवर नहीं होता, तब तक नहीं होता, रीसेट करने के बावजूद भी नहीं होता। क्लासिक रीसेट करने के बावजूद आपका ना तो कीबोर्ड के शॉर्टकट रिकवर होते हैं टूल्स के और मेन्यूज के, और ना ही आपका ये टूल बॉक्स को फिक्स करता है। अगर आपने कुछ निकाले हैं या चेंज किए वैल्यूज, इसको रीसेट करोगे आप। समझ आ गई है? दोनों रीसेट करना, वर्क स्पेस बनाना और वर्क स्पेस को खत्म करना भी, आखिर में ये भी देख लो। बाद में आपको वर्क स्पेस की अरेंजमेंट, आपको कहते हो यार मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये मैं इसको जो बनी हुई है इन्हीं में से कोई इस्तेमाल कर लूंगा, तो ये आप यहाँ से जाके आप इसको मैनेज वर्क स्पेस में जाओगे, और मैनेज वर्क स्पेस में जाके यहाँ मोहम्मद अली हैं, मिस जवेरिया हैं, मिस महानूर हैं, जो जो वर्क स्पेस इन्होंने बना रखी हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, खत्म हो गई। फ्यूचर में ये ना होंगी, ना इस्तेमाल की जा सकेंगी। तो इस तरह आज की डेट में आपने वर्क स्पेस क्रिएट करना भी सीखी, वर्क स्पेस को मैनेज भी किया, डिलीट किया, और इस तरह आप डिफरेंट वर्क स्पेस बना सकते हो। वर्क स्पेस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पैनल्स, अरेंजमेंट ऑफ पैनल्स, उनको स्टोर कर देता है। और बाकी जहां तक इसका, अगर आपने टूल बॉक्स में चेंजेस की हैं तो टूल बॉक्स को कैरी ऑन करेगा, शॉर्टकट की में चेंज किया कैरी ऑन करेगा, अनटिल और लेस आप रीसेट नहीं कर देते, उसको इंडिविजुअली रीसेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे सारी उम्र इसके साथ ये इस्तेमाल करते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको इसकी जेन्युइन कीज चाहिए, ओरिजिनल वन, यू नीड टू रीसेट, रिस्टोर, चाहे वो शॉर्टकट्स हो, चाहे वो मेन्यू की कीज हो, चाहे वो टूल बॉक्स की प्लेसमेंट आपने अगर गड़बड़ की है तो उसको रिकवर करना, रीसेट करना पड़ेगा। टाइम कितना हुआ है? 10 मिनट है। तो अब हम जाते हैं आज की उस एक्टिविटी की तरफ जो मैं आपको करवाना चाह रहा था, कि ये जी आपके ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हम बेसिक टूल्स आज देखेंगे। जैसे एक रेक्टेंगल है, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आती है, रेक्टेंगल अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी हो कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ आर्टबोर्ड के ऊपर ऐसे आप ड्रॉ करोगे कॉर्नर टू कॉर्नर, और जब ये पॉइंट आएगा तो साथ में आपको पर्पल कलर की ये स्मार्ट गाइड्स भी होती हैं। स्मार्ट गाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, वो मैं बताता हूँ क्यों। ये सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल्स के ऊपर अगर आप गौर करो, थोड़ा सा जूम किया तो ये आर्टबोर्ड पे पूरा नहीं आया, ये आर्टबोर्ड के हिसाब से इसे साइज नहीं किया। इसको किया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से, आर्टबोर्ड के ऊपर इसको प्लेसमेंट की जा सकती है। लेकिन चूंकि आपको कुछ टूल्स मैंने नहीं सिखाए, अभी ये हैंडल्स के थ्रू करोगे। ये आप सिलेक्शन अगर आप करना चाह रहे हो, यहाँ से इसको अब एडजस्ट कर लेना, अभी तो मैनुअली करना पड़ेगा, इसलिए जूम रिक्वायर्ड है, और अगर वैसे करना पड़ता तो आपको कितनी दिक्कत होती है। क्या ख्याल है? ये एडजस्टमेंट मैंने ग्राउंड की सेट कर दी। अब ये एक रेक्टेंगल है, और इस वक्त इसका सेंटर पॉइंट भी देखो, एक पर्पल कलर की आपको एक यहाँ पे गाइड, स्मार्ट गाइड नजर आ रही है, इसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड। ये सेंटर में हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये इधर भी जा रहा हूं तो एक स्मार्ट गाइड आपको बता रही है, कुछ इधर बनाना हो, कुछ इधर लिखना हो तो आसानी होती है। स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड करती हैं, और इसको भी आपने स्टूडेंट्स, अभी मैं मसलन इस पर कुछ बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको जब कभी बिजनेस कार्ड बनाना है तो बिजनेस कार्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये जरा मैं फटाफट आपको दिखा दूं, शेयर कर दूं, ताकि आप अपना काम कंप्लीट करो। मिसाल के तौर पे ये एक कार्ड है, मैं इसी को डिजाइन कर लेता हूँ, बल्कि इसी को मैं वहां पे ले जाता हूँ, इसको सेम स्ट्रक्चर, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है, कौन से कलर यूज हुए हैं वो देख लेते हैं। मूव करो सिलेक्शन टूल से, साइज छोटा करो कॉर्नर से, इसको मैं यहां रख लेता हूं, और बल्कि साइज छोटा कर देता हूं, यहां पे रख लेते हैं इसको। ये लो, ये जी एक सिंपल सा सैंपल के ऊपर अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो क्या क्या है, चेक करो क्या ये कार्ड बनाना कोई दिक्कत वाली बात है, और क्या क्या होता है कार्ड के ऊपर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, योर लोकेशन, ये तीन आपको आइटम यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके ऊपर क्या है, आपका नाम, आपकी पोस्ट, इधर देखो ये क्या बना हुआ है, एक सिंपल सा लोगो, और लोगो की बेस देखो, ग्राउंड देखो, ये जस्ट कुछ रेक्टेंगल्स की कुछ सर्कल्स की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये इसी लोगो को इस कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके सेंटर में दिखा दिया गया है। अब अगर आपको कहा जाए कि ये बनाना है इस कार्ड के ऊपर जो कि आर्टबोर्ड है आपका, तो क्या ये बनाना मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा, इसमें आपको क्या चाहिए? आपको सर एक तो ये मुझे चाहिए, तीन सिंपल्स। इसके लिए आपको हमारी तरफ से जो बेस्ट जो वेबसाइट है वो flaticon.com, ये आइकन्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां से ले आओ। flaticon.com बनाना है, बनाने बैठ जाओ। अगर आप समझ तो आगे खुद बनाने हैं, खुद भी बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि जब तक आप टूल नहीं सीखोगे बनाना मुश्किल है। तो अभी मैं flaticons.com पे जाता हूँ और यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट वाला, कॉन्टैक्ट के कुछ आइकन्स ओपन कर लेते हैं। ये सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो डाउनलोड करना है वो कर लो, लाइक दिस, डाउनलोड PNG फ्री, इस तरह एक डाउनलोड करो, दो डाउनलोड करो, जो जो आपको चाहिए आप डाउनलोड करते जाओ। आपको सारे आइकन यहाँ पे मिल जाएंगे, ईमेल का भी मिल जाएगा, ठीक है, और भी आपके कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप वगैरह, ईमेल का, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। ये इनको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके स्टोर कर लीजिएगा, इस तरह जिस तरह मैंने किया है। फ्लैट आइकन्स के नाम से मैंने एक फोल्डर ही बना दिया क्योंकि मुझे इसको यूज करना होता है डिफरेंट ऐप्स के अंदर, चाहे वो कॉरल के अंदर हो, चाहे वो इलिस्ट्रेटर हो, चाहे तो ये आपने इस तरह एक एक करके डाउनलोड कर लेना जो जो आपको रिक्वायर्ड है। और इसको जब आपने इलिस्ट्रेटर के ऊपर यहाँ पे इस तरह प्लेस करना है तो आप कर लो। अगर आप कहो कि ये तीन आइकन्स हैं, ये आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है और उसकी बेस जो है वो ऑरेंज कलर की चाहिए। अगर आप इसको गौर करो तो ये ट्रायंगल लग रही है, एक डार्क कलर की है, एक थोड़ी सी लाइट कलर की है, और इस आइकन को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। ये टेक्स्ट वर्जन है इसका, यहाँ पे टेक्स्ट वर्जन दे दिया, उसका टाइपिंग कर दी गई, ये आपको बनाना मुश्किल। दूसरी चीज, जो आपका फर्स्ट नेम है वो आमतौर पे थोड़ा बोल्ड होता है, और इसमें अगर आप कार्ड के लेआउट में गौर करो तो इसने दो कलर्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, या मैक्सिमम तीन होंगे शायद, व्हाइट इसमें नजर आएगा आपको, या जैसे व्हाइट है, ठीक है, वरना इसने तीन कलर के ऊपर ही काम किया हुआ है, गोल्डन कलर, ब्लैक कलर एंड देन थर्ड व्हाइट कलर। इसके अलावा इसने कोई चौथा कलर इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने भी कलर की बरमार नहीं करनी, जहां पे जो चीज सिंबल्स की आप प्रेजेंटेशन है, ग्राउंड आपको ये वाली इस तरह की बनानी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे अपना नाम लिखना है, इस जगह पे मोहम्मद अली, आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए टूल है, इसको आज आपको कम से कम उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, टूल है जी टाइप टूल, ये जी टूल। आज हम एक और टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दो हमने कर लिए, जूम टूल, हैंड टूल, ये टाइप टूल। टाइप टूल पे आपने क्लिक करना है और जिस जगह पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे आपने क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक करके ये टेम्पलेट टेक्स्ट आ जाएगा। अगर तो आपको फॉन्ट ये पसंद है तो गो विद दिस फॉन्ट, अगर आपको फॉन्ट पसंद नहीं है तो आप अच्छे अच्छे फॉन्ट से यहाँ पे लेके आ सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे लिखना है, या मुझे यहाँ पे लिखना है, और जो मोहम्मद अली है उसमें आप इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, यहाँ पे चले जाओ करेक्टर में, और करेक्टर पैनल में जब से आप क्लिक करोगे ये पैनल के अंदर सबसे टॉप पे फॉन्ट्स होते हैं, और उसमें आपका एग्जैक्टली आपका वही टेक्स्ट जो हाईलाइट किया हुआ है उसका प्रॉपर वहां पे यूज लुक नजर आती है। आपको जो इसमें से अच्छा लगता है वो आप क्लिक कर दो, जो अच्छा लगता है। नहीं पसंद आया, और अगर आप इसको थोड़ा सा साइड लाइन कर दो, साइड पे दिखा दो तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। और कभी गड़बड़ हो जाए तो अंडू, Ctrl Z, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्पेस बार से थोड़ा सा इसको इस तरफ रख लेता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि हो क्या रहा है। कैरेक्टर पैनल, और कैरेक्टर पैनल आपको पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता है कि इसमें अब आप फॉन्ट कौन सा आप अच्छा लगेगा। ये काफ़ी सारे फॉन्ट हैं जो आप मुनासिब समझो। वो देखो उधर भी हो रहा है सेट, जो आप दिखा रहे हो वो साथ साथ आपको दिख रहा है। ठीक है जी। टाइप 2, और अली अगर आप चाह रहे हो कि यही रखना है, इस तरह रखना है, या इसको भी चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करके इसको भी चेंज कर लो। लाइक आप लाइट वेट फॉन्ट यूज करना चाह रहे हो, ये वाला ये लो। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको कंटेंट राइटिंग करनी है तो टाइप टूल, और टाइप टूल अगर आप समझते हो कि इसकी जो पोजीशन है सही नहीं है, गो विद सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल यहां पे काम आएगा सिलेक्ट करके इसको पोजीशन करने के लिए। ठीक है। और अगर आपको इस कार्ड में अगर आप गौर करो, और क्या है जी कंटेंट, ये बेस कलर। बेस कलर अगर आप फिल करना चाह रहे हो, मैंने कोई कलर नहीं रखा, मैं चाह रहा हूं इसका कलर थोड़ा सा क्रीम कलर डाल देते हैं, लाइट सा, ये वाला रख लें, ये वाला कलर। ठीक है। इस कलर को मैं इस कार्ड के इनसाइड फिल करना चाह रहा हूं, कर लेते हैं। इसमें हालांकि नहीं है लेकिन मैं करना चाह रहा हूं। इसको क्लिक करो, और जब आप किसी भी शेप को जो आपने बनाई है, चाहे सर्कल बनाया हुआ है चाहे रेक्टेंगल बनाया हुआ है, जब किसी शेप को क्लिक करते हो तो इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। ये है जी प्रॉपर्टीज, और इसमें पहली प्रॉपर्टी है फिल की, दूसरी प्रॉपर्टी है इसके आउटलाइन की, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आउटलाइन की साइज की, फिर और भी हैं, इनमें से आज कुछ एक्सप्लोर करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है फिल की। आप इनमें से जो कलर आपको चाहिए ग्राउंड का वो ले लो, जो भी कलर चाहिए। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है, अगर ये कलर पसंद नहीं है और कलर आपको चाहिए ये वाला, इसके साथ मैचिंग, मसला ही कोई नहीं। आपको एक टूल का मैं बिल्कुल बेसिक इस्तेमाल बता रहा हूं, डिटेल नहीं करनी अभी, डिटेल जब उसको करेंगे लेजर से। आपको एग्जैक्टली इसके साथ मैचिंग कलर चाहिए, बेस कलर, मसला कोई नहीं। एक टूल है, आज चौथा टूल भी सीख लो। टूल का नाम है आई ड्रॉपर। क्लिक कर दो और आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर क्लिक कर दो, यहाँ पे इसके अंदर फिलिंग करनी है, किस कलर की करनी है, इस कलर की करनी है, आई ड्रॉपर, क्लिक ऑन दिस वन। आपको खपने की जरूरत ही नहीं, वो ऊपर वाला कलर चाहिए ऑरेंज वाला, कोई मसला नहीं। सिलेक्ट करो, हाईलाइट हो गया, ये कॉर्नर्स सिलेक्ट हो गया बॉक्स। आपको फिल रिक्वायर्ड है, आई ड्रॉपर ये वाला चाहिए। कितना आसानी से आपके वो सारे एक्शंस हो रहे हैं जो आप करना चाह रहे हो, कलर। और इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो डिजाइन क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा सा आपको अब इसमें उसकी स्क्रीन के ऊपर जो लुक है वो समझ आनी शुरू हो गई। ठीक है। अगर ऑरेंज के साथ मैं ब्लैक को ही पसंद कर रहा हूं, ऑरेंज के साथ मैं ब्लैक को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो ऑरेंज कलर है, ब्लैक टेक्स्ट है। और अगर आप इसमें मजीद डिटेल देनी है, अपना इधर डेजिग्नेशन देना है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो एक काम करो, टाइप टूल को सिलेक्ट करो और इसके ऊपर क्लिक कर दो जो टाइपिंग की हुई है, ये वाली है ना, इसके एंड पे आ जाओ, एरो से इसके एंड पे आ जाओ। ये देखो कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। आप इसी के एंड के ऊपर आपने नीचे डाउन करना है, एंटर कर दो, इसी की कंटिन्यूटी हो जाएगी। क्या लिखना है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ये लो। आईटी डायरेक्टर, जो भी नाम है। इसका मतलब है ये जो आपने अभी लिखा है, अगर आपको इसको फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड करना है या इसका लुक थोड़ी सी चेंज करनी है, जस्ट सेलेक्ट दिस वन और यहाँ पे चले जाओ करेक्टर पैनल में, और जो आपको पसंद आता है इसमें से स्टाइल वो ले लेना। जो आपको मुनासिब लग रहा है, कलर चेंज कर सकते हो, ब्लैक है ये भी चेंज कर सकते हो, फिलिंग भी चेंज कर सकते हो, इसका आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग। जो आपको मुनासिब लगता है इनमें से वो आप क्लिक कर दो। कलर अगर आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह जाना है, इसी तरह चलने दो। अब मैं आपको इसकी फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लो। आपने अभी एक काम किया है, आपने रेक्टेंगल बनाना सीखा। मैं चाह रहा हूं रेक्टेंगल को यूज करते हुए लोगों को बना देते हैं। सिर्फ रेक्टेंगल चूंकि सीखा है तो रेक्टेंगल को फॉलो कर लेते हैं। रेक्टेंगल आपको अलाउ करता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई लोगो बना के यहाँ पे दिखाना है, और दूसरी चीज इसके जो एक हाफ को आपने ब्लैक करना है। मसला कोई नहीं, अब वो आप एक रेक्टेंगल और बना लो। अभी सिर्फ वो टूल इस्तेमाल करें जो सीखा है। रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये लो। रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल बना दी। रेक्टेंगल को अगर आपका कलर कुछ और होता, मसला ही कोई नहीं, यहाँ से चेंज कर लेते। कोई और करना है आप कर लेते, जो कलर आप समझते हो मुनासिब सा आप दे दो। ब्लैक ही रखना है, ब्लैक ही रख लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर आपको ये कहा जाए क्या ये इसको थोड़ा सा हम डायगोनल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको साइज छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सारे टूल्स आपके पास हैं। ये सिलेक्शन टूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप इसको अगर चाहो साइज छोटा बड़ा ये किया जा सकता है। ऐसे आपने डिजाइन दिखाना है इतना, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ डिटेल्स वगैरह लोगो यहाँ पे दिखाना है, इस जगह पे कर लो। इसको यहाँ पे रखना है, कर लो जैसे आप पसंद करो। इसको हाफ ही रखना है या इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, ये लो। ये कॉर्नर्स को राउंड हो गया। ये छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा कि कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए शार्प है, और ये शेप के कॉर्नर्स राउंड हो गए। इस तरह दिखाना है, इस तरह दिखा दो। और अगर आपसे कहा जाए ये कॉर्नर्स जो चारों राउंड हुए हैं, सिर्फ मुझे ये दो चाहिए, उधर वाले नहीं चाहिए, किया जा सकता है। आपको इस छोटा सा जो सर्कल है इस पे एक दफा क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक काम करना पड़ेगा। ये टूल नहीं चलेगा अगर आपने सिंगल पॉइंट के ऊपर वर्क करना है, तो बराबर वाला टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। शेप इस तरह की कोई देनी है आपको सर, इधर वाला भी इसी तरह, इसको भी उसी तरह कर सकते हो। ये आपको सर्कल यहाँ पे जस्ट पहले सिलेक्ट किया, और कॉर्नर्स ये आपको दिख रहे होंगे, एक ये है और इसका किधर है, ठीक है। ये इस तरह आप किसी एक को देखो, जब आप क्लिक करते हो ना चारों एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी एक पॉइंट को करना हो तो गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये देखो ये ऐसे, ठीक है, या ये ऐसे। अगर आपने दोनों को करना है, दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। एक्टिवेट दिस वन एंड शिफ्ट के साथ एक्टिवेट सेकेंड वन, शिफ्ट के साथ। हर चीज का अपना रोल है, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। दोनों को एक्टिवेट अगर करना हो एक ही गो में, और अगर आपने इसको पोजीशन करना है तो सिलेक्शन टूल। अब रखना इधर है या इधर है, या इसको फुल डाउन करना है ऐसे, ये अब आपकी मर्जी है। अगर आप समय तो ये कार्ड और इसको इतने हाफ में आपने शो करना है, ये लो, डिजाइन ही बनाना है ना। अब आप इसको सोच समझ के जैसे इस्तेमाल करना चाहो, इसकी प्रेजेंस जैसे लुक निकालना चाहो। अब ये सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया है किस चीज, रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल के साथ दो टूल्स को इस्तेमाल किया, सिलेक्शन टूल को और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। कब किसको इस्तेमाल करना है ये अब आपने इसको सीखना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। मैं भी भूल जाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आप क्लिक करके मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि उस टूल का और इस टूल का फर्क है। जहां तक मजीद इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ इमेजेस की प्लेसमेंट करके एक लोगो बनाते हैं। चले ये देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाने गया, रेक्टेंगल बन रहा है डिफॉल्ट। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, जो कलर यहां होता है ये फिल का होता है, और जो कलर यहां होता है नीचे ये स्ट्रोक का होता है। कोई फोरग्राउंड बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही, फोटोशॉप में कुछ और चीज है। इसमें याद रखना जो ऊपर वाला कलर होता है ये फिल का है, लिखा हुआ नजर आ रहा है फिल, और ये नीचे वाला कलर स्ट्रोक का है। इस वक्त फिल कलर क्या है, ऑरेंज, और स्ट्रोक का कलर क्या है, नथिंग, कुछ नहीं। अगर आपको कहा जाए डिफॉल्ट क्या होता है, मैं कहूंगा ब्लैक फिल होता है और सॉरी व्हाइट फिल होता है और ब्लैक स्ट्रोक होता है। डिफॉल्ट, डी फॉर डिफॉल्ट, डी प्रेस कर दो, या आइकन नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे क्लिक कर दो, ये आपका ब्लैक हो जाएगा, सॉरी ये आपका व्हाइट हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा। डिफॉल्ट स्ट्रोक क्या होता है इसका, ब्लैक, फिल क्या होता है, व्हाइट। ये देखो, ये देखो मैंने शेप बना दी है, बनी हुई है, ये डिफॉल्ट करने जा रहा हूं। बाद में अगर आप समझते हो चेंज करना है कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मैंने इसको इसलिए दिखाया है। अच्छा स्वैप भी कर सकते हो, ये स्वैपिंग के लिए होता है। नाउ फिल इज ब्लैक एंड स्ट्रोक इज व्हाइट, ये स्वैपिंग के लिए होता है। करंट जो भी होगा कलर स्वैप कर देता है। और अगर आपको कलर ब्लैक के बजाय कुछ और चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, डबल क्लिक, यू हैव ए कलर पिकर, जस्ट चेंज दैट कलर लाइक दिस, ओके ये कलर हो गया और वहां पे चेंज भी हो गया। अगर आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, कुछ नहीं करना, इसको एक्टिवेट करना है और डबल क्लिक कर देना। कलर यहां से आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाह रहे हो वो यहां से क्लिक करके यहां पे एक्टिवेट हो रहा है। ये देखो दिस इज अ कलर एंड इफ यू वांट टू टिंट दैट कलर, टिंट करना है, लाइट लाइट लाइट, व्हाइट की एडिशन हो रही है, 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 ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट की सब्ट्रैक्शन हो रही है, प्योर कलर नजर आ रहा है, और ये डार्क टोन में आ रहा है, शेड ऐड हो 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 रहा है, और ये ब्लैक हो गया। इसके एक्सट्रीम्स को याद कर लो। ये कलर पिकर में बड़े मजे की चीज होती है कि जिस कलर को आप चूज करते हो वो सामने आ जाता है। उस कलर की टिंट जनरेट करना चाहो ये टिंट होते हैं, और अगर शेड डालना चाहो, ये शेड का मतलब ब्लैक की एडिशन, टिंट का मतलब व्हाइट की एडिशन इन योर कलर। और ओके करने पे अप्लाई हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट की उस पार्ट पे जिसको आपने यहां पे एक्टिवेट किया है। राइट नाउ which part of the shape is activated? Stroke. स्वैप करना है, ये लो, डिफॉल्ट लेना है D, स्वैप करना है X, स्वैप, ये स्वैप हो रहा है, ठीक है। और कभी आप को प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए कि कलर यार डिफॉल्ट लेना है, पता नहीं मैंने कलर क्या सेट कर दिया, मुझे रिवर्स करना है इसको, तो आपने कुछ नहीं, डी प्रेस कर दो, नहीं की भूल गए, अब आपको इन चार बटन्स की समझ आ गई होगी। दिस इज अ फिल, दिस इज अ स्ट्रोक, दिस इज अ स्वैपिंग, दिस इज स्वैपिंग, एंड दिस इज द डिफॉल्ट, ब्लैक इज स्ट्रोक, व्हाइट इज फिल। अच्छा अब आपको अगर मैं कहूं कि क्या इसको, अगर मुझे कुछ सिंबल्स बना के, चार सिंबल्स बना के रेक्टेंगल्स के थ्रू, एक मैंने आपकी कंपनी का लोगो बनाना है, कोई मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैंने रेक्टेंगल सीखा, और एक चीज और याद रखो कि जब कभी आप एक रेक्टेंगल बनाते हो या रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहो, मिसाल के तौर पर मैं डिलीट करता हूं, दोबारा देखो डिलीट हो गया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, दोबारा से देखो। अगर आपने स्क्वायर बनाने हो स्टूडेंट्स तो इसमें की याद रखना शिफ्ट होती है, शिफ्ट की के साथ हमेशा स्क्वायर बनता है, शिफ्ट की के साथ हमेशा स्क्वायर बनता है। शिफ्ट अगर छोड़ दोगे स्क्वायर भी बन सकता है, और इसको अगर आप स्ट्रेच करो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड बराबर। और मजे की बात है जब आप माउस को यूज कर रहे होते हो स्मार्ट गाइड आपको बता देती है कि स्क्वायर बन गया। एक तो आपको WH नजर भी आ रहा हो, WH विड्थ एंड हाइट, वो ग्रे में बॉक्स में यहां से भी देख सकते हो, और ये यहां से भी आपको आइडिया हो जाता है राइट नाउ एग्जैक्टली W एंड H आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम है। और अगर आपको कंट्रोल, वो देखो एक सेंटर में आपको क्रॉस लाइन भी नजर आ रही है, ये बता रही है कि ये आपको कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू सेम है। और अगर आपको नहीं कंट्रोल करना आता, माउस मैंने अभी तक नहीं छोड़ा, शिफ्ट के साथ इसको कर लो, एक स्क्वायर बन गया। और ये स्क्वायर जब बन गया तो अगर आप चाहो इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो, वो मैंने बता दिया, एक को भी कर सकते हो ये भी बता दिया, चारों को भी कर सकते हो ये भी बता दिया। फिर मैं एक चीज नहीं बताई, वो ये नहीं बताई कि आप अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शेप को पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन करनी जरूरी है। और सिलेक्शन करने के बाद आप इसके कॉर्नर पे चले जाना, कॉर्नर पे आपको एक राउंड एरो नजर आएगा, जब ये आ जाए तो इसको क्लिक प्लस ड्रैग करके रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है। नहीं समझ आई, कंट्रोल Z कर दो, अंडू एवरीथिंग, रोटेट। और एक चीज आज और सीख लो, जब आप रोटेट करते हो तो जितनी डिग्री पे रोटेट करते हो वो साइड में आपको दिख रही होगी, वो देखो 365, ये 9 डिग्री, ये वो, हाँ कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं। कंस्ट्रेंट्स आपने अगर करने हो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ सिर्फ यही नहीं कि स्क्वायर बनता है, शिफ्ट के साथ 45 डिग्री पे जंप भी करता है, 45 डिग्री। बस आपको एग्जैक्टली 45 डिग्री पे करना पड़ता है। ये इसमें करते वक्त आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही 45 हुआ कि नहीं हुआ, शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट पे ये 45 डिग्री पे ही रखेगा। और ये जब रख दिया है, अब आप अगर इन शेप्स के थ्रू मजीद शेप्स बना के एक लोगो काइंड ऑफ प्रेजेंस चाह रहे हो तो इसको सिलेक्ट करो, कर लिया, इसकी कॉपी बना लो। कॉपी बनाने के बेशुमार तरीके हैं, एक ये एडिट में कॉपी, टाइम हो गया भाई, मैं जल्दी से क्लोज करता हूं। एडिट में पेस्ट, जब कॉपी किया तो पेस्ट भी हो जाता है, और इसकी पोजीशन रिलोकेट कर दो जहां पे रखनी है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ कर सकते हो, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे शिफ्ट के साथ। सिंपल एक क्लिक पे सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर ये भी इस सेक्शन में रिक्वायर्ड है शिफ्ट के साथ कर लो। और एक आसान तरीका बताऊं, ये कॉपी पेस्ट करने की बजाय इसी मुसीबत से बचने के लिए ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दो, हाँ जी ऑल्ट के साथ, यूजिंग ऑल्ट यू कैन मेक डुप्लीकेट, यू कैन मेक 4 more duplicates लाइक दिस। प्लेसमेंट कर लेना जहां करनी होगी, लाइक दिस, इसको क्लिक कर लो, ऑल के साथ यू कैन मेक मोर डुप्लीकेट्स, ऑल के साथ यू कैन मेक मोर डुप्लीकेट्स। ये जी सिंपल सा वे आउट। लाइक दिस इज ए काइंड ऑफ अ लोगो, एक सिंपल सा बना। इसको मैंने तमाम को सिलेक्ट करना है, तमाम को, आसान सा तरीका सिलेक्शन टूल, ये इस तरह शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक एक करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 के 8 सिलेक्ट हो गए, 8 के 8 सिलेक्ट हो गए, ऐसे हाँ कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ करने हैं साइड पे मैं क्लिक करता हूँ। एक काम करना, अगर मैं सिलेक्शन करूंगा सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो वो मूव हो जाता है रेक्टेंगल बिग वाला। आप एक काम करो, इस रेक्टेंगल को लॉक कर दो, लॉक है इसमें कहीं, देखो अगर नहीं है, इसके लिए आपको लेयर पैनल में जाना पड़ेगा। आज आपको लेयर पैनल भी ओपन करना पड़ेगा। ये लेयर पैनल में जितनी चीजें बनी है सब दिखेगी। ये देखो जो भी बनाया है स्टूडेंट्स, सारा रिपोर्ट आ गई सामने। ये लो, और जो सबसे पहले बनाया वो सबसे नीचे है, जो कि ये इस वक्त मैंने सिलेक्ट भी किया हुआ है। ये बॉक्स जो रेक्टेंगल ब्लैक वाला, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। ये आपका ऑरेंज वाला, ये वाला सिलेक्ट हो गया। करने के बाद यहाँ लॉक होता है, ये लॉक करता है। ये लॉक यहाँ से ऑन ऑफ होता है। लॉक करने से मुझे फायदा ही होगा कि अपने सिलेक्ट अगर करता भी हूँ यहाँ से, तो मेरी बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होगी। सारी शेप सिलेक्ट होगी, देख रहे हो? जो इस एरिया में आ गया इसके, ये सिलेक्ट हो गया। अगर ये देखो जो सिलेक्ट होता है वो लेयर पैनल में यहाँ पे ब्लूज नजर आते हैं, देख रहे हो? ये सारे ब्लूज इंडिकेट करें सिलेक्शन हो गई है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी है कि जब आप इसको क्लिक करते हो फर्स्ट वाले को, यहां से लेके अगर यहां तक सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ यहां से भी कर सकते हो सिलेक्शन, तब भी सिलेक्शन हो जाती है। जब सिलेक्शन हो गई है, इसको प्लेस करो ओवर हेयर। और अगर आपने इसका डिजाइन रेडी कर दिया है, मैं अभी इसको क्लोज करता हूं, टाइम नहीं है। और अब अगर आप फ्लैट आइकन्स को लेके आना चाह रहे हो, दो तीन को मैं यहाँ पे ड्रैग करके और एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ये आपका फॉर एग्जांपल, ये आपने फिजिकल लोकेशन देनी है, दिस इज www वैल्यूज देनी है, और ये आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसके थ्रू देना है। तीनों को ड्रैग करके मैं ले गया इलिस्ट्रेटर में और ला के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये आइटम्स है सारे के सारे यहाँ पे आ गए। इनको 1 by 1 साइड पे करो, साइड पे क्लिक करके साइज करो, साइज करके जहां प्लेस करना रिक्वायर्ड है, कोई इसके बैकग्राउंड में शेप बनानी है शेप बना लेना। ये आपने समझ लो, एक मैं जल्दी से एक्शन करके दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा तसल्ली के साथ बनाइएगा, बड़ा अच्छा बनेगा। शिफ्ट के साथ एक एस्पेक्ट रेशो में छोटा या बड़ा कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल देनी है, वो डिटेल इसके साथ यहाँ पे दी जा सकती है। इसका आइकन का साइज छोटा कर लीजिएगा, यहाँ पे नंबर वंबर जो भी देने हैं आप देने के बाद अगला काम मैं जाने से पहले एक कंप्लीट करना चाह रहा हूँ एक्शन, वो ये कि जब आपका डिजाइन रेडी हो जाए, हालांकि एक आर्टबोर्ड हुआ दूसरा नहीं हुआ, मसला कोई नहीं है, उसको भी जल्दी से अगर आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। लाइक इसी की कॉपी उठा लेते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ ले आए, इसका साइज मैं बढ़ा करके यहाँ पे इसको